आयोजित इस व्याख्यान माला में आए सभी सम्माननीय उज्जैन के नागरिक बंधु माताओं बहनों, मंच पर आसीन आज के इस व्याख्यान के अध्यक्ष महोदय परम श्रद्धेय डॉक्टर तेजनकर जी, इस व्याख्यान माला की आयोजन समिति के सभी सम्माननीय पदाधिकारी मित्रों, मैं बहुत आभारी हूं आप सभी का और विशेष रूप से व्याख्यान माला आयोजन समिति का जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान करने का मुझे मौका दिया। मैं आयोजन समिति का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर यहां उपस्थित हैं और मुझे आपसे संवाद करने का समय मिल रहा है। भारत तब और अब, इस विषय पर मुझे आपसे जो बात कहनी है, इस बात की एक दो मिनट में प्रस्तावना जरूर करूंगा। अभी का जो भारत है जिसकी मैं बात करूंगा वो पिछले 63 वर्षों का भारत होगा। आजादी के 15 अगस्त से लेकर आज सन 2010 का, और तब वाले भारत की जब मैं बात करूंगा तो वो भारत अंग्रेजों के जमाने के भारत का बात होगी। उससे ज्यादा पीछे वाले भारत में जाने के लिए समय थोड़ा ज्यादा चाहिए और व्याख्यान माला की एक मर्यादा है कि कुछ ही समय में ये पूरी करनी होती है। तो तब वाला भारत होगा लगभग आज से 175 वर्ष पहले का भारत, और अब वाला भारत होगा जो आजादी के पिछले 63 साल का भारत बना है हमारे सामने। भारत अभी का जो है उसके बारे में बात कहना शुरू करता हूं, फिर पीछे चलूंगा। आज का जो भारत है वो आपकी आंखों के सामने है। इस भारत की बहुत सारी अच्छाइयां हैं और बहुत सारी खराबियां हैं। अच्छाइयों के बारे में और खराबियों के बारे में दोनों बात मैं कहने की कोशिश करूंगा आज के भारत की। हमारे भारत में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, आज भी वो खत्म नहीं हो गई हैं। उन अच्छाइयों में से एक अच्छाई है कि भारत की मिट्टी दुनिया में सबसे अच्छी है। हमारे खेतों में जो मिट्टी है ऐसी मिट्टी दुनिया के किसी भी देश के खेतों में नहीं है। दुनिया में कई देशों का प्रवास करने के बाद ये बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, अमेरिका के खेतों में इतनी अच्छी मिट्टी नहीं है जितनी भारत के खेतों में है। यूरोप में किसी भी देश के खेत में इतनी अच्छी मिट्टी नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, बेल्जियम में, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, यूरोप के किसी भी देश के खेतों में इतनी अच्छी मिट्टी नहीं जितनी हमारे यहाँ है। अमेरिका में तो सवाल ही नहीं उठता, कनाडा में भी नहीं। लैटिन अमेरिका के कुछ देश हैं जहां की मिट्टी भारत के खेतों जैसी ही है। ब्राजील एक देश है, वहां के खेतों की मिट्टी बहुत अच्छी है। अर्जेंटीना के खेतों की मिट्टी भी बहुत अच्छी है। अफ्रीका के कुछ देश हैं, वहां की भी मिट्टी काफी अच्छी है। लेकिन अगर फिर तुलना करेंगे अफ्रीका लैटिन अमेरिका के देशों में तो भी भारत की मिट्टी उनसे 21 है, 19 नहीं। अगर थोड़ी और गहरी बात करूं आपसे कि हमारी मिट्टी की अच्छाइयां क्या क्या हैं, तो हमारी भारत की मिट्टी में 18 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। हमारी भारत की मिट्टी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, हमारी भारत की मिट्टी में भरपूर मात्रा में आयरन है, हमारी भारत की मिट्टी में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम है, भरपूर मात्रा में मैग्नीज है, भरपूर मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन है हमारी मिट्टी में, भरपूर मात्रा में सल्फर है, मॉलिब्डेनम है, सिलिकॉन है। ऐसे 18 सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत अच्छी मात्रा में है, जबकि दुनिया के देशों की मिट्टी में 2 या 3 पोषक तत्व ही मिलते हैं। भारत में 18 सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये भारत की सबसे बड़ी अच्छाई है, सबसे बड़ी विशेषता है।
दूसरी एक बहुत अच्छाई है इस देश में, वो इसी मिट्टी से शायद जुड़ी है, या मिट्टी वाली अच्छाई उस कारण से है। दूसरी सबसे बड़ी अच्छाई इस देश में है कि यहां भरपूर सूरज का प्रकाश है, सूर्य प्रकाश इस देश में सबसे ज्यादा है। दुनिया में 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां एक साल में सिर्फ 4 महीने सूर्य निकलता है। भारत 200 में से अकेला ऐसा देश है जहां एक साल में 365 दिन सूर्य निकलता है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में कभी कभी संडे होता है। संडे माने छुट्टी नहीं, संडे माने सूर्य का दिन। भारत में एवरी डे इस संडे है, हर दिन यहां सूर्य का दिन है। करोड़ों वर्षों से सूर्य इस देश में है और अगले करोड़ों वर्षों तक रहने की तैयारी है। हमारे भारत की जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार भारत में सूर्य का प्रकाश पिछले 200 करोड़ वर्षों से निरंतर मिल रहा है और अगले 200 करोड़ वर्षों तक मिलता रहेगा, जबकि दूसरे देशों में ये सूर्य का प्रकाश आसानी से उपलब्ध नहीं होता। जिन देशों में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता ना, वहां पर लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं, अच्छी सुबह, माने सूर्य का प्रकाश मिले तो उनकी सुबह अच्छी हो। भारत में एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, एवरी डे इज संडे, हर दिन सूर्य का दिन है। अभी पिछले साल अगस्त के महीने में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी और मैं स्कॉटलैंड गए थे, तो हमारी फ्लाइट दिल्ली से डायरेक्ट थी एडिनबरा के लिए। तो जैसे ही हम एयरपोर्ट पे उतरे तो सूर्य बहुत तेज निकला, बहुत तेज सूर्य निकला, तो हमारी फ्लाइट के सारे अंग्रेज हमें विश करने लगे कि आप लोग आए तो ये सूर्य निकला। तो मैंने कहा कितने दिनों में निकला है, तो उनका 3 महीने में तो पहली बार निकला है। और उन्होंने कहा आप जाइएगा मत यहां से, नहीं तो ये चला जाएगा। तो 3-3 महीने में एक दिन उनको सूर्य दिखाई देता है। हम कितने खुश नसीब हैं कि हर दिन हमें सूर्य मिलता है। और एक सबसे गहरी बात कि जिस देश में सूर्य भरपूर होता है उस देश की मिट्टी हमेशा ही अच्छी होती है, क्योंकि मिट्टी के अच्छे होने में सूर्य की सबसे बड़ी भूमिका है। तीसरी बड़ी अच्छाई अपने देश की जो दूसरे देशों में नहीं है, हमारे देश में मिट्टी में पैदा होने वाले जो विभिन्न पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पतियां हैं, ये दुनिया से ज्यादा हमारे यहां पैदा होती है। अभी तक हमारी भारत सरकार ने भारत की मिट्टी में पैदा होने वाली जो विभिन्न वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी जो सूची तैयार कर पाई है उसमें 84,000 नाम है। 84,000 किस्म की वनस्पतियां, पेड़ पौधे हमारे देश की मिट्टी में पैदा होते हैं, और ये तो अभी अंतिम सूची नहीं है। भारत सरकार के वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतिम सूची अभी बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर दिन हर साल कुछ ना कुछ नई वनस्पतियां ढूंढी जा रही हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये 1,00,000 से ऊपर पहुंच जाएगी सूची। 84,000 तो मिल गई है, 1,00,000 हो जाएंगी थोड़े दिन में। इतनी विविध वनस्पतियां, पेड़ पौधे दुनिया में किसी भी देश में नहीं जो भारत में। दुनिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम जो है ना, वो स्कॉटलैंड में है, और वहां 5,00,000 से ज्यादा वनस्पतियां और पेड़ पौधे उन्होंने संरक्षित किए हैं। उसमें सबसे ज्यादा जिस देश के पेड़ पौधे हैं वो भारत है, और सारी दुनिया के वैज्ञानिक इस बात पर हैरानी व्यक्त करते हैं कि भारत में जैव विविधता बहुत है, बायोडाइवर्सिटी हमारी बहुत रिच है। ये तीसरी बड़ी विशेषता है। चौथी बड़ी विशेषता हमारे देश की ये है कि हमारे देश की मिट्टी में जो कुछ पैदा होता है वो तो गर्व करने लायक है ही, मिट्टी के नीचे जो पैदा होता है वो भी गर्व करने लायक। भारत में 6,38,365 गांव हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, आप किसी भी गांव में चले जाइए और एक गांव में थोड़े दिन रहकर इस बात की सूची बनाइए
कि उस अकेले एक गांव में क्या पैदा होता है, अकेले एक गांव में। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, जितनी चीजें कुल मिलाकर पूरे यूरोप और अमेरिका में पैदा नहीं होती, उससे ज्यादा हमारे एक एक गांव में पैदा होती। भारत के एक एक गांव में गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर, दाल की कई किस्में, चने की कई किस्में, धान की कई किस्में, गेहूं की कई किस्में, कई तरह की सब्जियां, कई तरह के फल, कई तरह की जड़ी बूटियां जो औषधि के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, भारत के हर गांव में मिल जाएगी। एक बार मेरा एक जर्मनी के प्रोफेसर के साथ बहस हुई थी भारत और जर्मनी के बारे में। वो जर्मन प्रोफेसर, आज से 10 साल पहले की ये घटना मैं आपसे बयान कर रहा हूं, एक जर्मनी के प्रोफेसर का मेरे साथ झगड़ा हो गया इस बात के लिए कि जर्मनी महान कि भारत महान। तो वो कहता था मेरा देश महान जर्मनी, मैं कहता था मेरा देश महान भारत। तो हम दोनों ने अपने झगड़े का निपटारा करने के लिए, फैसला करने के लिए एक सूत्र बनाया, फॉर्मूला बनाया। तय तो करना है किसका देश महान, या तो जर्मनी या तो भारत। तो हम दोनों ने ये तय किया कि हम दोनों एक दूसरे के देश के बारे में प्रश्न पूछेंगे। वो मेरे देश के बारे में प्रश्न पूछेगा भारत के बारे में, जर्मनी का प्रोफेसर मैं जर्मनी के बारे में पूछूंगा, और जिन प्रश्नों का सबसे ज्यादा जवाब हां में मिलेगा उसका देश महान होगा, और जिनके प्रश्नों का सबसे ज्यादा जवाब ना में मिलेगा उसका देश घटिया है, रद्दी है। ऐसे करके हम दोनों ने एक सूत्र शुरू हुई। तो पहले वो उसने कहा कि तुम पूछो, मुझसे कहा कि तुम जर्मनी के बारे में पूछो। तो मैंने चुन चुनकर ऐसे प्रश्न किए जिनका उत्तर ना में ही आए। ये तो पूछने वाले के ऊपर है आप क्या पूछ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं जर्मनी को नीचा दिखाना चाहता था, मैं जर्मनी की वास्तविकता उसको रियलाइज कराना चाहता था। तो मैंने सबसे पहला सवाल उसको पूछा कि तुम्हारे देश जर्मनी में गन्ना होता है? गन्ना, अब साधारण सा सवाल है। तो उसने कहा नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है जर्मनी में गन्ना नहीं होता। और जानबूझ के मैंने ये सवाल किया कि जर्मनी में गन्ना होता है? उसने कहा नहीं होता। मैंने कहा जर्मनी में केला होता है? केला। उसने कहा नहीं होता। मैंने कहा जर्मनी में आम होता है? आम। उसने कहा नहीं होता। फिर मैंने कहा जर्मनी में संतरा होता है? संतरा। उसने कहा नहीं होता। फिर मैंने कहा जर्मनी में मौसमी होती है? मौसमी। उसने कहा नहीं होती। थोड़ी देर में वो बौखला गया, क्योंकि हर जवाब ना 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 ना। तो उसने थोड़ी देर में मुझे कहा, मिस्टर राजीव दीक्षित, मेरे जर्मनी में कोई मीठी चीज पैदा नहीं होती, अब आगे पूछो। तब मैंने उसको कहा, अच्छा दूसरा सवाल है मेरा। मैंने कहा जर्मनी में पालक होता है? पालक, क्योंकि पालक मीठा नहीं है। तो उसने कहा नहीं होता। फिर मैंने कहा जर्मनी में मेथी होती है? मेथी। उसने कहा नहीं होती। मैंने कहा जर्मनी में मूली होती है? मूली। उसने कहा नहीं होती। फिर मैंने कहा कि जर्मनी में वो होती है इलायची, या जर्मनी में काली मिर्च होती है? ये सब मीठी चीजें नहीं है। थोड़ी देर में फिर बौखला गया। फिर कहने लगा, मिस्टर राजीव दीक्षित, हरे पत्ते की कोई चीज जर्मनी में नहीं होती, अब आगे पूछो। अब मीठी चीज कोई होती नहीं, हरे पत्ते की कोई चीज होती नहीं। तो मैंने कहा अब तुम ही बताओ जर्मनी में होता क्या है। तो उसने कहा जर्मनी में एक तो होता है आलू, पोटैटो, और दूसरा होता है प्याज, ओनियन। अब आलू में प्याज मिला के खाओ या प्याज में आलू मिला के खाओ, हमारे पास दो ही चीजें होती हैं। फिर मैंने कहा कि जर्मनी के दुकानों में इतना सारा माल बिकता है, केला भी बिक रहा है, गन्ना भी बिक रहा है, आम भी बिक रहा है, संतरा भी बिक रहा है, तो ये कहां से आता है? तो उसने धीरे से कहा, ये सब भारत से आता है। तो मैंने कहा किसका देश महान? तो चुप हो गया, बोला नहीं। उसको रियलाइज तो हो गया कि भारत देश महान, लेकिन उसने मुंह से नहीं बोला। मैंने कहा इसको मुंह से ही बुलवाना है अभी थोड़ी देर, और ये बहस हमारी कई लोगों के सामने हो रही थी। मैंने कहा अब तुम्हारा नंबर है, तुम पूछो भारत के बारे में। तो वो थोड़ा फंस गया, उसने वही सवाल पूछना शुरू किया जो मैंने पूछे थे।
उसने कहा भारत में गन्ना होता है? मैंने कहा भैया उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूरे भारत में गन्ना होता है। और भारत में 6,38,365 गांव हैं, इनमें से 4,00,000 गांव में गन्ना होता है। और भारत में एक गन्ना बहुत मोटा होता है, एक गन्ना बहुत पतला होता है, एक काला गन्ना होता है, एक लाल गन्ना होता है, एक हरा गन्ना होता है, एक थोड़ा सा पीले रंग का गन्ना होता है। 2,550 जातियों का गन्ना इस देश में होता है। अब बोलो। तो कहने लगा आई कांट बिलीव इट। मैंने कहा ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, तुम्हें भरोसा नहीं है तो ये तुम्हारी समस्या है। अगर तुमको भरोसा करना है तो तुम भारत आ जाओ और घूम लो और पता कर लो कितनी जातियों का गन्ना होता है। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा केला होता है भारत में? मैंने कहा केला ही केला होता है। हमारे यहाँ उत्तर भारत का अलग केला, दक्षिण भारत का अलग केला, पश्चिम भारत का अलग केला, पूर्वी भारत का अलग केला, कहीं मोटा केला, कहीं पतला केला, कहीं छोटा केला, कहीं लाल केला, कहीं हरा केला। हमने कहा केले की भारत में कम से कम 1,000 प्रजातियां हैं। कहने लगा यस। मैंने कहा यस। फिर कहने लगा आई कांट बिलीव, मुझे भरोसा नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा तीसरा सवाल पूछो। तो उसने पूछा आम होता है? तो उसने सवाल किया था मैंगो को कि भारत में मैंगो होता है? मैंने कहा मैंगो तो एक शब्द है, हमारे यहां तो मैंगो की जातियां 5,000 से ज्यादा है। लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है, तोतापुरी है, कलमी है, ऐसी 5,000 जातियों का आम है भारत में। और मैंने उसको कहा, जिस पर उसे भरोसा नहीं हुआ, मैंने कहा दिल्ली हमारे यहां की राजधानी है, वहां से 180 किलोमीटर दूर हरिद्वार है, दिल्ली हरिद्वार के बीच में 500 जातियों का आम होता है, इतनी दूरी में, खाली 180 किलोमीटर। और भारत में 3,00,000 से ज्यादा गांवों में आम होता है। तो ऐसे उसने जितने भी सवाल पूछे तो उसमें वो हार गया, मैं जीत गया। फिर हमारा भारत महान, उसका जर्मनी महान नहीं। तब उसने अंत में कहा कि मैं भारत देखना चाहता हूं। मैंने कहा कभी भी आओ, देखने के लिए कोई मुश्किल नहीं, आने जाने की कोई प्रॉब्लम है तो हम भारतवासी तुम्हारा टिकट बना देंगे, तुम आ जाओ कभी भी। वो आया भारत में, 3 महीने की छुट्टी लेके आया, 3 महीने का वीजा मिला और हमने उसको भारत में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सब जगह घुमाया। और उसको एक डायरी और पेंसिल दिया था कि जो जो तुम गांव में देखो कि यहाँ क्या होता है उसको नोट करना। जब आखिरी में वो वापस जाने लगा तो मैंने कहा तुम्हारी डायरी में क्या नोट किया है तुमने? तब उसने कहा कि भारत के एक एक गांव में 2,000 से ज्यादा वस्तुएं पैदा होती हैं, जो मैं पहले विश्वास नहीं कर सकता। और वो उसने खुद कहा कि इंग्लैंड में और पूरे यूरोप में 2 या 4 वस्तुएं पैदा होती हैं सभी गांवों में, और यहाँ एक एक गांव में 2,000 वस्तुएं पैदा होती हैं। तब उसने कहा तुम्हारा देश महान। तो मैंने कहा अब बोलो तुम्हारा क्या कहना है भारत के बारे में? तो उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं भारत में रहूं। तो मैंने कहा सिटीजनशिप नहीं मिलेगी तुम्हें। तो कहने लगा वो क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा भारत में जन्म लो। कहने लगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैंने कहा हिंदू हो जाओ। कहने लगा क्यों? मैंने कहा तुम्हारी क्रिश्चियनिटी में तो पुनर्जन्म होता नहीं, तुम तो ईसाई हो ना, और ईसाइयत में पुनर्जन्म होता नहीं, पुनर्जन्म तो इस्लाम में भी नहीं होता, पुनर्जन्म तो सिर्फ सनातन भारतीय जो मान्यता है इसमें होता है। फिर थोड़ा झगड़ा करने लगा वो, तो मैंने उसको शांत किया कि भैया तुम्हारे ईसा मसीह को अभी तक पुनर्जन्म नहीं हुआ, तुम्हें कैसे हो जाएगा? तुमको अगर भारत में जन्म लेना है तो हिंदू हो जाओ। तो कहने लगा ये तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा बहुत आसान, हम तुम्हारे ऊपर थोड़ा गंगा जल छिड़केंगे और तुम्हारा नाम बदल देंगे, इतना सा ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। कहने लगा इसका मैसेज तो बहुत दूर तक जाएगा। मैंने कहा वही हमें भेजना है, ये मैसेज जर्मनी तक जाए, वही तो हम चाहते हैं। कहने लगा फिर मैं सोच के बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर जाते जाते वो यही कह के गया कि मैं जीसस से प्रार्थना करूंगा कि अगला जन्म भारत में मिले। मैंने कहा वो प्रार्थना तुम्हारी नहीं स्वीकार होगी क्योंकि ईसाइयत में पुनर्जन्म होता ही नहीं है।
पुनर्जन्म वाली एक ही दुनिया में सभ्यता है जिसको हम भारतीय सभ्यता कहते हैं। ये भारत की विशेषताओं में से एक है। मैंने कहानी के माध्यम से आपको कई चीजें बता दी कि भारत में बहुत कुछ ऐसा होता है जो दुनिया में कहीं नहीं होता। सारी दुनिया के देशों की फसलों पर नजर आप डालो तो ज्यादातर देशों में दो या तीन फसलें मिलेंगी। एक तो गेहूं होता है, थोड़ी कपास हो जाती है, थोड़ी मक्का हो जाती है। और भारत के एक एक गांव में 200 से ज्यादा फसलें होती हैं। गेहूं, मक्का और चना तो कुछ ही है, 200 से ज्यादा फसलें होती है। ये भारत की विशेषता है, ये भारत की अच्छाई है। और भारत की जमीन के नीचे 90 तरह के खनिज पदार्थ मिलते हैं जो दुनिया के किसी भी एक देश में एक साथ नहीं मिलते। अमेरिका में कुछ खनिज पदार्थ हैं, कनाडा में थोड़े से हैं, यूरोप में तो बहुत कम है। अमेरिका के पास लैटिन अमेरिका में थोड़े खनिज पदार्थ हैं, ब्राजील, मैक्सिको आदि में। अफ्रीका में थोड़े ज्यादा खनिज पदार्थ हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा खनिज पदार्थ जिन देशों में है उनकी संख्या 15 से लेकर 60 से 70 है। भारत में 90 से ज्यादा खनिज पदार्थ एक ही देश की सीमा में। आयरन ओर हमारे यहाँ, बॉक्साइट ओर हमारे यहाँ, माइका हमारे यहाँ, क्या नहीं है हमारे पास जमीन के नीचे। और ये सब कुछ मैं ढूंढता रहता हूं कि ये सब इतना अच्छा क्यों है भारत में, जमीन के नीचे 90 खनिज पदार्थ। और अभी अभी पता चला कि हमारी जमीन के नीचे तो अब गैस भी भरपूर मात्रा में है, जिसको हम CNG कहते हैं। आंध्र प्रदेश के कावेरी बेसिन में गैस का भंडार मिला है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस गैस के भंडार को हम इस्तेमाल करें भारत की सभी गाड़ियों में। सभी गाड़ियों से मतलब सभी तरह की गाड़ियों में, चार पहिए वाली हो, दो पहिए वाली हो, या रेलगाड़ी के इंजन में हम ये गैस को जलाएं, सब तरह से जलाएं, तो अगले 340 साल तक ये गैस खत्म नहीं होने वाली। कितनी गैस मिली है कावेरी बेसिन, और कावेरी बेसिन जैसे 8 क्षेत्र पता चले हैं गैस के। ये तो एक है कावेरी बेसिन, ऐसे 8 क्षेत्र पता चले। अब तक हम ये अफसोस व्यक्त करते थे कि भारत में बहुत तरह के खनिज पदार्थ हैं लेकिन गैस नहीं है, भरपूर गैस मिली है। और अभी एक खुशखबरी और है कि भारत के राजस्थान वाले सूखे इलाके में भरपूर तेल मिल गया है। ये जो जैसलमेर है, ये जो बाड़मेर है, ये जो बीकानेर है, ये इलाके में आप कभी जाओ तो सूखी रेत के अलावा कुछ नहीं है, वहां तेल के भंडार मिल गए। अब तेल खुदाई का काम वहां शुरू होने वाला है और उम्मीद कर रहे हैं कि इतने तेल के भंडार हमारे पास हो जाएं कि 150 से 250 साल तक हम उनका इस्तेमाल कर पाए। तो अब तो तेल भी मिल गया, गैस भी मिल गई, 90 तरह के खनिज पदार्थ हैं। ये तो जमीन के नीचे है, और जमीन के ऊपर तो हर गांव में पैदा होने वाली 2000 से ज्यादा वस्तुएं, फिर जंगलों में पैदा होने वाली तरह तरह की वस्तुएं, फिर खेतों में पैदा होने वाली तरह तरह की फसलें, भरपूर धन धान्य से ये देश है। भगवान ने इस देश को खूब अच्छे से नेमतें दी हैं, इस देश को बहुत अच्छे से सुखी बनाया। और ऐसी ही विशेषताओं में एक बड़ी विशेषता है, इस देश का मौसम दुनिया में सबसे अद्भुत है। इतना अच्छा मौसम किसी देश में नहीं। आप अफ्रीका में जाइए, वहां दो मौसम है, गर्मी और भयंकर गर्मी। आप अमेरिका में चले जाइए, वहां दो मौसम है, ठंडी और भयंकर ठंडी। आप और किसी देश में चले जाइए, लैटिन अमेरिका में चले जाइए, वहां दो मौसम है, बारिश और भयंकर बारिश, टॉरेंशियल रेन होती है ब्राजील और मैक्सिको में, 8 महीने बारिश चलती है। किसी और देश में चले जाइए, 2 से ज्यादा मौसम नहीं है। भारत में सब तरह के मौसम है, और आधुनिक मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार भारत में 16 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, 16। हम तो 6 ऋतुओं को गिनते थे ना भारत की मान्यता में,
और आधुनिक विज्ञान के हिसाब से 16 ऋतुएं हैं इस देश में। सर्दी भी मिलेगी, भयंकर सर्दी भी मिलेगी, गर्मी भी मिलेगी, भयंकर गर्मी भी मिलेगी, बारिश भी मिलेगी, भयंकर बारिश भी मिलेगी, बीच में बसंत भी मिलेगा, बीच में शरद भी मिलेगा, सब तरह के क्लाइमेटिक जोन्स इस देश में। जबकि दुनिया के अधिकांश देशों में 2 ही क्लाइमेटिक जोन्स हैं, यहां 16 हैं। और सभी मौसम में निरंतरता है, ये और भी एक अद्भुत बात है इस देश की। बारिश जब आएगी तो हर साल उसी समय आएगी, गर्मी जब आएगी तो हर साल उसी समय आएगी, सर्दी जब आएगी तब हर साल उसी समय आएगी। दूसरे देशों में ऐसी कोई विशेषता नहीं है। ये यूरोप के देशों में तो बारिश कभी भी आती है, एनी टाइम। सुबह आ गई, 5 मिनट बारिश हुई, फिर शाम को हो जाएगी, फिर अगले दिन सुबह हो जाएगी। बारिश का सीजन वहां नहीं होता, जैसे धूप का सीजन नहीं होता वैसे बारिश का नहीं होता। तो मौसम बहुत अद्भुत है। यूरोप और अमेरिका में एक मजाक करते हैं लोग, वहां मजाक चलता है कि 3 W का कुछ भरोसा नहीं। एक तो वेदर, एक तो वाइफ, पत्नी का भी भरोसा नहीं। सुबह आपकी है, शाम को किसी और की, हाँ अगले दिन किसी और की हो सकती है। तो मौसम का भरोसा नहीं, पत्नी का भी भरोसा नहीं, और तीसरा W है वर्क, काम का भरोसा नहीं। सुबह आपकी नौकरी पक्की है, अगले दिन सुबह जाएंगे तो पिंक लेटर मिल जाएगा, क्या आपको नौकरी से निकाला जाता है, कोई दूसरी ढूंढ लीजिए। इतनी अनिश्चितता है। और जब मैं यूरोप में घूमता हूं और वहां के लोगों से मजाक करता हूं तो वो कहते हैं कि भारत में ये 3 W एकदम पक्के हैं। वेदर एकदम पक्का है, समय से आता है, समय से जाता है। वाइफ तो इतनी पक्की है कि 7-7 जन्म तक एक ही रहती है, वो सोच ही नहीं सकते इसको। और वर्क एकदम पक्का है, यहां जल्दी किसी की नौकरी नहीं जाती, कार भी जल्दी नौकरी नहीं लेती। पहले आपको नोटिस देगी, फिर आपको सस्पेंशन होगा, बहुत दिन तक आधी सैलरी में काम चलता रहेगा, सस्पेंशन फिर रद्द होके वापस नौकरी मिल सकती है, टर्मिनेशन तक तो बहुत देर में नंबर आता है। और नौकरियां यहां ऐसे पक्की होती हैं कि मेरे पिताजी ने इनके यहां काम किया, मैं भी उनके यहां काम कर रहा हूं, मेरा बेटा भी करेगा, उसका भी बेटा करेगा, ऐसी पक्की नौकरियां। क्योंकि हम संबंधों को मानते हैं, काम को नहीं। तो भारत की ये बहुत बड़ी विशेषता है, वेदर, वाइफ और वर्क तीनों पक्के। और इसलिए दुनिया के देशों में पता है क्या बातें चलती हैं भारत के, ये मत करो आंख में तकलीफ है। हाँ ये जब मजाक करते हैं हम लोग तो वो लोग कहते हैं कि भारत में चूंकि वाइफ भी पक्की है, वेदर भी पक्का है, वर्क भी पक्का है, इसलिए भारत के लोग टेंशन फ्री है, स्ट्रेस फ्री। और यूरोप और अमेरिका में ये तीनों ही पक्के नहीं है, इसलिए लोगों को सबसे ज्यादा टेंशन है और सबसे ज्यादा स्ट्रेस। और आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूं, क्योंकि टेंशन और स्ट्रेस उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा है, इसलिए बीमारियां उन देशों में भयंकर। आप किसी देश में चले जाओ, स्वीडन में चले जाओ, स्वीडन की सड़कें दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है, उतनी अच्छी सड़कें किसी देश में नहीं है। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि स्वीडन में सबसे ज्यादा कमर दर्द के मरीज हैं, जहां की सड़कें सबसे अच्छी हैं। समझ में नहीं आती ये बात, कमर दर्द क्यों होना चाहिए, भारत में होना चाहिए कमर दर्द, जहां सड़कें कम खड्डे ज्यादा हैं, खड्डों में सड़क रहती है, सड़क में खड्डे रहते हैं, तो यहां कमर दर्द हो तो समझ में आता है। लेकिन स्वीडन में सबसे ज्यादा कमर दर्द है, सिर्फ कारण उसका मेंटल स्ट्रेस और टेंशन। जबकि सड़कें एकदम ऐसी हैं जैसे मछली पानी में तैरती है ना, स्वीडन में ऐसे कार चलती है सड़क, फिर भी ये समस्या है। स्पेन में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं, जबकि स्पेन दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है, प्रति व्यक्ति जनसंख्या के अनुसार सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है।
जबकि सब चीजें वहां हमसे अच्छी हैं, लेकिन एक ही चीज में वहां मेंटल स्ट्रेस और टेंशन इतना ज्यादा है कि लोग अपनी हत्या खुद ही कर लेते हैं। यूरोप और अमेरिका में भी आत्महत्याएं दुनिया में सबसे ज्यादा, जापान उसके बाद दूसरे नंबर पर है, भारत का नंबर तो 100वां है आत्महत्या करने वाले देशों में। बहुत सारी विशेषताएं हैं हमारे देश में। एक दो और विशेषताएं बताऊं, हमारे देश के लोग इतने भोले भाले, इतने सीधे साधे दुनिया में कहीं नहीं। आप अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, और आप अनजान जगह पे जाओ और किसी से पते वते पूछना शुरू कर दो, हो सकता है आपको पुलिस स्टेशन में पहुंचा दे, हाँ गिरफ्तार करा दे। आप अगर किसी से पता पूछ रहे हैं ना, तो सीधे एक ही शक करेगा कि ये आतंकवादी है, ये उग्रवादी है, और पुलिस को फोन करेगा, आपको पकड़वाएगा। और ज्यादातर लोग पता बताएंगे नहीं, बता देंगे तो गलत बता देंगे। ऐसे लोग हैं वहां के, जैसी बर्फ होती है ना वैसे लोग हैं, हाँ बर्फ जैसे ही लोग। और भारत में अगर किसी से आप पता पूछ लो तो घर तक छोड़ के आएगा, हाँ हाँ फोकट का काम करेगा, घर तक छोड़ेगा, एक पैसा नहीं मांगेगा। और अमेरिका में तो इतने बेशरम है, यूरोप में भी, कि गलती से पता पूछ लिया तो पैसे मांग लेते, इतने डॉलर दे दो, नहीं दिया तो चाकू निकाल के ले लेंगे आपसे, पर्स छीन लेंगे आपका, मैंने पता बताया था इतना पैसा दो। भारत के लोग तो फोकट में ही गांव तक छोड़ के आ जाते हैं, घर तक छोड़ के आ जाते हैं। आप पूछो जरा सा उससे कि फलाने का घर कहाँ, देखो कितनी तन्मयता से बताता है वो, आप सब दुनिया भूल जाएगा, फिर आपको इतने बढ़िया से एक्सप्लेन करेगा कि इधर दाहिने तरफ चले जाना, फिर बाई तरफ चले जाना, बिल्कुल घर तक पहुंचा देगा। ऐसे लोग दुनिया में सिर्फ भारत में, अद्भुत लोग हैं। और एक दो विशेषता बताता हूं भारत की। भारत में प्रति व्यक्ति अनाज का उत्पादन अमेरिका से बहुत कम है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति के हिसाब से अनाज का उत्पादन 200 किलो है, अमेरिका में एक व्यक्ति के हिसाब से अनाज का उत्पादन 980 किलो है अमेरिका में। माने अमेरिका में पर कैपिटा फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता भारत से 4 गुनी ज्यादा है, 4.5 गुनी ज्यादा है। उनके यहाँ अनाज हमसे ज्यादा है, समझ में आया, और हमारे पास उनसे कम अनाज है। लेकिन अमेरिका में अपने अनाज को कोई दूसरे के साथ शेयर नहीं करता। इसको सरल भाषा में समझाऊं, अमेरिका में कोई व्यक्ति दूसरों को दावत पे नहीं बुलाता, खाना नहीं खिलाता। और हम जहां एक वर्ष में एक व्यक्ति को 200 किलो से भी कम अनाज है, हम दावतों पे दावतें करते जाते हैं। और हमारे यहाँ खाना खिलाना तो जैसे सबसे बड़े पुण्य का काम है। इस देश में करोड़पति हो या रोडपति, सबको देखा मैंने खाना खिलाते हो। रोडपति भी है ना तो कर्ज लेके खाना खिला देता है, शादी हो, विवाह हो, या कोई घर में समारोह हो। अगर कुछ नहीं है, मान लो कोई मंदिर की ही प्रतिष्ठा समारोह है, तो पूरा मोहल्ला खाना खिला देता है। मैं अभी गोवा गया था, यहाँ सीधे गोवा से आया। गोवा में एक बिल्कुल छोटा सा गांव है, 356 घर का एक गांव है, बहुत छोटा सा गांव, 356 परिवार, सोचो कितना छोटा गांव। उस गांव में एक यात्रा होती है, यात्रा माने यात्रा, तो उस यात्रा में आधे से ज्यादा गोवा जाता है, आधे से ज्यादा। गोवा की कुल लोक संख्या, कुल आबादी 15 लाख की है, 7.5 लाख लोग उस यात्रा में जाते हैं। अब 5 से 7 दिन वो यात्रा चलती है, और 356 घर का गांव सबको भोजन कराता है, सबको निशुल्क खाना खिलाता है। रात के 2 बजे आप पहुंच गए उस गांव में, तो बिना खाना खाए नहीं आ सकते, आप खिलाएंगे आप। ऐसे भारत में हजारों नहीं लाखों गांव है। ये तो मैंने एक आपको अभी बताया क्योंकि देख के आया, ऐसे लाखों गांव। दक्षिण भारत में उडुपी में एक मंदिर है,
आप जरूर जाइए उस मंदिर में, श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। मैं उस मंदिर में कई बार गया, तो वहां के जो मुख्य पुजारी हैं, मैंने उनको पूछा इस मंदिर का सबसे मुख्य काम क्या है, तो उन्होंने कहा हर दिन हम 75,000 लोगों को खाना खिलाते हैं, ये मुख्य काम है। हर दिन एवरी डे 75,000 लोग खाना खाते हैं मंदिर। मैंने कहा कोई समस्या नहीं आती? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं आती। मैं पूछा इतना खाना आता कहां से? पता नहीं, भगवान देता ऐसा बोला पुजारी। हाँ, कहां से आ जाता मुझे खुद नहीं मालूम। घी कहां से आ जाता है, चावल कहां से आ जाते हैं, दाल कहां से आ जाती है, सब्जियां कहां से आ जाती हैं, पता ही नहीं। आम के सीजन में आम कहां से आ जाता है, सब लोग दे जाते हैं। और कितने साल से ये चल रहा है? तो उन्होंने कहा 400 साल से ये चल रहा है। 400 साल हो गए, एक दिन के लिए भी ऐसा दिन नहीं आया जब खाना नहीं मिला उस मंदिर। और वो कहते हैं कि कभी कभी जब मंदिर में विशेष समारोह होते हैं तो 1,00,000 लोग रोज खाने पर होते हैं, विशेष समारोह। ऐसे मैंने उस मंदिर के पुजारी को पूछा कितने मंदिर होंगे भारत में, तो उसने कहा दक्षिण के तो मैं बता सकता हूँ, उत्तर के आप ढूंढो। तो मैं बहुत दिन ढूंढता रहा, ऐसे मंदिर भारत में 13,780, जो 400 साल से, 500 साल से, 700 साल से, 1,000 साल से खाना खिला रहे हैं लोगों को, अन्नदान कर रहे हैं, क्योंकि अन्नदान हमारे यहाँ सबसे बड़ा दान माना जाता है। अब मेरे समझ में ये नहीं आता कि जिस देश में प्रति व्यक्ति अन्न का उत्पादन दुनिया में सबसे कम हो, मात्र 200 किलो प्रति व्यक्ति, अमेरिका में 980 किलो प्रति व्यक्ति, उस अमेरिका में कोई अन्नदान नहीं करता, और यहाँ 200 किलो हर आदमी के पास भोजन है, उसमें से भी वो दान करता रहता है। इससे बड़ी विशेषता भारत की कोई नहीं, अद्भुत देश है। और ये सब निशुल्क होता है, अपनी आत्मा के संतोष के लिए होता है। हमारे यहां लोग तो मौका ढूंढते रहते हैं खाना खिलाने का। हाँ, थोड़ा सा भी मौका मिले दावत हो गई, खाना हो गया, छोटे छोटे मौके, घर में किसी का जन्मदिन हो गया, घर में किसी का मरण दिन आ गया, मरण दिन में भी दावत खिलाएंगे, जन्मदिन में भी दावत खिलाएंगे, शादी में भी दावत खिलाएंगे। ये खिलाना 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 अद्भुत है, और वो भी निशुल्क और भक्ति भाव से। जो खिला रहा है ना, उसके मन में भाव क्या होता है कि इसने खाया मेरा खाना, ये ही बड़े पुण्य की बात है, ये भाव से। एक होता है दान का भाव, एक होता है दासोह का भाव। दान के भाव में थोड़ा अहंकार रहता है, दासोह के भाव में विनम्रता रहती है। तो भारत दासोह वृत्ति के लोग हैं, भारत खिलाएंगे भी, पैर छुएंगे, दक्षिणा देंगे उसमें कि आपने खाना हमारा स्वीकार किया। मैं तमिलनाडु कर्नाटक में बहुत घूमा हूं, केरल में भी बहुत घूमा हूं, वहां के छोटे छोटे गांवों में जाता हूं, तो उन गांवों के जो साधारण लोग हैं ना, उनको मैं देखता हूं। 11 बजे के आसपास सब घर के लोग बाहर आके खड़े हो जाएंगे। तमिलनाडु के हजारों गांवों में देखा, केरल में भी देखा, कर्नाटक में भी देखा, 10-11 बजे के आसपास बाहर आके खड़े हो जाएंगे घर के, इंतजार करते हैं। किसका इंतजार करें? उनको पूछो आप 10-11 बजे घर के बाहर रोज खड़े होके किसका इंतजार करते हैं? तो कहते घर में भोजन बना है, पहले किसी अतिथि को खिलाएं, तो अतिथि का इंतजार करते हैं। और मैंने कहा कोई अतिथि नहीं आया तो? तो उनका उस दिन भोजन नहीं करते, छोड़ देते, उपवास करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई जो आज हमारे घर कोई अतिथि नहीं आया भोजन लेने के लिए। हजारों गांवों में ये परंपरा अभी तक कायम है। एक जमाना था जब भारत में बहुत अन्न पैदा होता था, आज भारत में अन्न का उत्पादन बहुत कम है, उसके कारण मैं बताऊंगा आपको क्यों है। जिस जमाने में अन्न बहुत होता था इस देश में, उस समय ये अन्नदान की परंपरा आई तो समझ में आता है। जब देश में अन्न का उत्पादन इतना कम हो गया है,
तो भी अन्नदान की परंपरा छूटती नहीं है, ये भारत की बहुत बड़ी विशेषता है। इतनी गरीबी आ गई है इस देश में, इतनी भुखमरी आ गई है, इतनी बेरोजगारी आ गई है, फिर भी ये परंपरा छूटती नहीं है। ये भारत की बड़ी बड़ी विशेषताओं में से एक है। बहुत अद्भुत देश है ये भारत। तो ये तो बहुत सारी अच्छाइयां हो गई देश की, लेकिन अब इन्हीं को वर्णन करता जाऊं तो 2-3 घंटे और निकल जाएंगे, समय कुल 2 घंटे है मेरे पास। अब मैं थोड़ा सा आता हूं, कुछ बुराइयां भी हैं हम, और ये बुराइयां भी हमें ध्यान में रहे तो हमें रास्ता दिखाई देगा कि कहां जाना है, कैसे जाना है, कितना जाना है। बुराइयां कुछ हैं हमारे देश में, उनमें से एक बुराई है, इस समय के भारत की बात हो रही है, ये तब के भारत की बात नहीं कर रहा हूं, अब के भारत की सबसे बड़ी बुराई हम में है, गरीबी आ गई है। और गरीबी कोई थोड़ी बहुत नहीं है, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 120 करोड़ की लोकसंख्या, जनसंख्या में 84 करोड़ लोग भयंकर गरीब हैं। हमारी इस समय जो सरकार चल रही है, जिसके प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह है, इस सरकार ने थोड़े दिन पहले एक कमीशन बिठाया था और उस कमीशन के एक अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। और ये ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनकी दुनिया भर में प्रशंसा होती है, ईमानदारी के लिए मेहनती है, कर्मठ है, और सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता उनके आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे, और श्रीमती गांधी अगर कोई गलती किया करती थी तो 2 टूक कहते थे कि ये आपने गलती किया, प्रधानमंत्री को भी कहने की हिम्मत। ऐसे व्यक्ति हैं अर्जुन सेन गुप्ता। उनको भारत सरकार ने एक जिम्मेदारी दी कि आप गरीबों के बारे में पता लगाओ, कितने गरीब हैं, क्योंकि कभी आंकड़े आते थे 37 करोड़ गरीब हैं, कभी आते थे 33 करोड़ गरीब हैं, कोई सरकार आंकड़ों को घटा बढ़ा कर देती थी, छोटा बड़ा करती थी। अर्जुन सेन गुप्ता ने 4 साल बड़ी मेहनत की और पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट का नाम है अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के आंकड़े हैं कि 84 करोड़ लोग अत्यंत दरिद्र हैं इस देश में, 120 करोड़ की जनसंख्या। और उनकी गरीबी के बारे में अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 84 करोड़ लोगों को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है, एक दिन में। 50 करोड़ लोगों को एक दिन में खर्च करने के लिए 10 रुपए नहीं, 25 करोड़ लोगों को एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपए नहीं, 15 करोड़ लोगों को एक दिन में खर्च करने के लिए 1 रुपया नहीं, और 10 करोड़ लोगों के पास एक दिन में खर्च करने को 50 पैसा नहीं। इतनी गरीबी में 84 करोड़ लोग रहते हैं। अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 37 करोड़ लोग हर दिन भूखे सोते हैं। उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 37 करोड़ लोगों के शरीर पर 2 कपड़े नहीं होते, ऊपर अगर कपड़ा है तो नीचे नहीं होगा, नीचे है तो ऊपर नहीं होगा। मैंने भारत की दरिद्रता के खूब अच्छे से दर्शन किए हैं। मैं अक्सर उड़ीसा जाता हूं, बंगाल जाता हूं, बिहार जाता हूं, झारखंड जाता हूं और देखता हूं गरीबी कैसी। उड़ीसा में एक बार मैं कालाहांडी क्षेत्र में गया था, वहां मेरे व्याख्यान का आयोजन हुआ था। उस व्याख्यान में 3 लोग आए थे सुनने के लिए, एक मैं खुद था, एक माइक लगाने वाला और एक दरी बिछाने वाला, 3 लोग आए थे। मैंने माइक वाले भाई को पूछा कि व्याख्यान किसको करना है, यहां तो कोई आया नहीं। तो उसने कहा मैं सामने बैठ जाता हूं, मुझे भाषण करो। मैंने कहा तुम अकेले सुनोगे? उसने कहा मैंने माइक ऐसा सेट किया है कि सब अपने घर में बैठ के सुनेंगे। तो मैंने कहा जो घर में बैठ के सुन सकते हैं वो सामने भी आ सकते हैं। तब उसने बहुत उदासी के साथ कहा वो आपके सामने नहीं आ सकते क्योंकि उनके शरीर पर कपड़े नहीं। तो मैंने कहा मुझे उनके घर ले चलो। तो उसने कहा चलो। तो उसने सबसे पहला घर जो मुझे दिखाया वो गांव के सरपंच का घर था, और सरपंच के घर की कुल लंबाई 10 फीट, चौड़ाई 10 फीट, एक झोपड़ा,
आधा टूटा पानी टपकता हुआ। मैंने उसमें खटखट किया तो सरपंच की पत्नी बाहर आई, तो मैंने देखा उस मां के शरीर पर ऊपर तो कोई वस्त्र नहीं था, नीचे उसने एक फटा हुआ तौलिया लपेटा हुआ था जो पूरा नहीं था। तो मैंने उससे कहा आप अंदर जाओ, अपने पति को भेजो। तो थोड़ी देर में जब उसका पति बाहर आया तो मेरी आंख में आंसू आ गए ये देखकर कि वो वही फटा हुआ तौलिया लपेट कर आया था जिसको पत्नी लपेट के आई थी। ऐसी गरीबी में 37 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में। बेरोजगारी की हालत कैसी है इस देश में? बेरोजगारी के बारे में भारत सरकार का कहना है कि भारत में सही रोजगार जिसको सम्मानजनक रोजगार कहते हैं वो सिर्फ 3.5 करोड़ लोगों के पास है, बाकी के पास तो कोई रोजगार ही नहीं है सम्मानजनक। हमारे भारत देश में 64 करोड़ लोग हैं जिनको माना जाता है जिनके हाथ काम करने लायक हैं। हमारे देश में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है वर्केबल एज, माने काम करने लायक उम्र 18 साल से लेकर 60 साल। ऐसे 64 करोड़ लोग हैं, उनमें से सिर्फ 3.5 करोड़ लोगों को सम्मानजनक काम है, बाकी को कोई सम्मानजनक काम ही नहीं है। और ये 3.5 करोड़ लोग कौन है? 15 लाख लोग हैं जो आर्मी में काम करते, 17 लाख लोग हैं जो रेलवे में है, करीब 18 लाख के आसपास बैंक और बीमा कंपनियों में, 40 लाख से ज्यादा पब्लिक सेक्टर्स में, फिर केंद्र सरकार की नौकरी में, फिर राज्य सरकार की नौकरी में, फिर नगर पालिका की नौकरियों में, कुल मिलाकर 3.5 करोड़ हैं पूरे देश में, माने 60 करोड़ 50 लाख लोगों को सम्मानजनक काम ही नहीं है। इनमें से आधे से ज्यादा लोग, 30 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको साल में सिर्फ 3 महीने काम मिलता है। जब खेत में कोई कटाई होती है या खेत में कोई बुआई होती है या निराई गुड़ाई होती है तब उनको काम मिलता है, बाकी दिन वो खाली रहते हैं। और बाकी जो दूसरे करीब 30 करोड़ हैं ये भटकते रहते हैं, एक गांव से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, किसी ईंट वाले भट्टे पे काम कर लेते हैं, कभी किसी शहर में फुटपाथ पे जाकर अपनी दुकान सजा लेते हैं, कभी ठेली और गाड़ी में रख के सब्जियां बेच लेते हैं, कभी घर घर जाके अखबार पहुंचा देते हैं, ऐसे 30 करोड़। लेकिन उनका भी हाल बड़ा बेहाल है। और दुर्भाग्य से सौभाग्य से आप और मैं उन 3.5 करोड़ लोगों में से हैं जिनको सम्मानजनक रोजगार है, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में कुल मिला, बाकी के पास सम्मानजनक काम। और थोड़ा आगे बढ़े, भारत की बुराइयों में से एक बुराई ये है कि इस देश में अशिक्षा बहुत भयंकर है। आजादी के 63 साल के बाद भी पूरे देश की साक्षरता नहीं हो पाई है, 52% आबादी अभी भी निरक्षर है इस देश में। और थोड़ा आगे बढ़े, इस देश की बुराइयों में से एक बुराई है कि भारत में 120 करोड़ की जनसंख्या में 77 करोड़ लोग भयंकर बीमारियों के शिकार हैं, 5.7 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, 4.5 करोड़ लोगों को हृदयघात होता है, अक्सर कभी भी मर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड इतना बढ़ा हुआ है उनका, कभी भी हार्ट अटैक आए और मर जाए, 8 करोड़ भारतवासियों को कैंसर है, 24 लाख हर साल कैंसर से मरते हैं इस देश में, 12 करोड़ भारतवासियों की आंखों के रोग हैं, 14 करोड़ लोगों को लंग्स के रोग हैं, 17 करोड़ लोगों को घुटने कमर कंधों में दर्द है, गाउट है, अर्थराइटिस है, 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को हाइपरटेंशन, बहुत बुरी हालत। और इससे भी बुरी हालत है कि सरकार के पास इन 77 करोड़ लोगों की बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं है। केंद्र सरकार के पास एक साल में 22,300 करोड़ का बजट है कुल मिलाकर पूरे देश के लिए, इसमें से लगभग 20,000 करोड़ रुपए सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर, नर्सेज और वार्ड बॉय की तनख्वाह देने में चला जाता है, 2,300 करोड़ लोगों की चिकित्सा के लिए बचता है। मैंने कैलकुलेशन किया तो
तो हर व्यक्ति के लिए एक साल में चिकित्सा का खर्च 20 रुपए है सरकार के पास, एक साल में 20 रुपए। अब 20 रुपए में तो सर्दी जुकाम भी ठीक नहीं हो सकता। भारत की बुराइयों में से एक बुराई है कि यहां जो बच्चे पैदा होते हैं, 65% बच्चे जन्म के समय एनीमिया के शिकार होते हैं, विटामिन सी की भरपूर कमी लेके पैदा होते हैं 65% बच्चे, और 50% से ज्यादा गर्भवती माताएं वो एनीमिया की शिकार है इस देश में। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित माना जाता है भारत में, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भारत में है 5 साल की उम्र से कम। और कुछ बुराइयां हैं जो इस देश में आ गई हैं। दुनिया का महाभ्रष्ट देश है ये भारत इस समय। दुनिया में 200 देश हैं, उनमें से महाभ्रष्ट देशों की एक सूची तैयार की गई है, उसमें सबसे पहले नंबर पर बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पर भारत है। मतलब ये तीनों एक ही देश है। 1947 के पहले तो एक ही था, सबसे भ्रष्ट देश। भ्रष्टाचार का आलम क्या है इस देश में? एक प्रधानमंत्री हुए श्री राजीव गांधी, वो कहते थे कि किसी भी गरीब आदमी के विकास के लिए जब मैं 1 रुपया भेजता हूं तो उस गरीब आदमी तक 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा बीच में ही लुट जाता है। ये राजीव गांधी ने कहा था। जब उनको लोकसभा में ये पूछा गया कि ये कौन लूटता है 85 पैसा, तो उन्होंने कहा हम लूटते, खुल के कहा था हम लूटते। तो एक सांसद ने पूछा हम का मतलब क्या, तो राजीव गांधी ने कहा कि हम पॉलिटिशियंस, हम ब्यूरोक्रेट्स और हम कर्मचारी तीनों मिलकर लूटते हैं इस देश में, और 1 रुपए में से 85 पैसा लूटते हैं, जो आपके द्वारा टैक्स में दिया जाता है उसमें से लूटते। अब राजीव गांधी तो जीवित नहीं है, उनका बेटा राहुल गांधी इस समय लोकसभा में है। उसने अभी एक बात कही, उसने कहा मेरे पिताजी के जमाने में 1 रुपए में से 85 पैसा लूटा जाता था और 15 पैसा गरीबों तक पहुंच पाता था, अब मेरे जमाने में 1 रुपए में से 92 पैसा लूटा जाता है, 8 पैसा ही गरीबों तक पहुंच पाता। राहुल गांधी को पूछा गया कि तुमने ये हिसाब कहां से निकाला, तो उसने कहा ये मेरा हिसाब नहीं है, भारत की एक सबसे बड़ी संस्था है जिसका नाम है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनका हिसाब है, मैं तो लोकसभा में सिर्फ प्रस्तुत कर रहा हूं इसको। अब 1 रुपए में से 92 पैसा लूटा जाता है, इतना भ्रष्टाचार, इतनी रिश्वतखोरी इस देश की। हमने इस विषय पर थोड़ा गंभीर अध्ययन किया तो पता चला कि आजादी के पिछले 63 वर्षों में ये भ्रष्टाचार इतना अधिक हुआ है कि हम हैरान हो जाते हैं। जब आजादी आई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उनका सबसे पहला भाषण लोकसभा में जो हुआ उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और नेहरू जी ने लोकसभा में ये कहा था कि एक भी भ्रष्ट आदमी मुझे मिलेगा तो बिजली के तार से उल्टा लटका दूंगा उसे, ये नेहरू जी कहा करते थे। वो नेहरू जी 17 साल लड़ते रहे, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता रहा। उन्हीं के समय में सबसे बड़ा घोटाला हुआ, नेहरू जी के जो रक्षा मंत्री थे ना वी के कृष्ण मेनन, उन्होंने ही सबसे बड़ा घोटाला किया जिसका नाम था जीप स्कैंडल। उन्होंने चेकोस्लोवाकिया नाम के देश से कुछ जीपें खरीदी कागज पर, वास्तव में नहीं आई, पैसे चले गए, जीप नहीं आई, और उसमें वीके कृष्ण मेनन पकड़े गए थे। नेहरू जी ने तब ये कहा था, जब वीके कृष्ण मेनन पकड़े गए तो लोकसभा में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के बिना लोकतंत्र चल नहीं सकता,
जब पद ग्रहण किया था नेहरू जी ने तो बोला था कि एक आदमी भी भ्रष्टाचार करेगा तो बिजली के तार से उल्टा लटका दूंगा। जब उनका रक्षा मंत्री पकड़ा गया भ्रष्टाचार में, तब संसद में बयान दिया कि लोकतंत्र बिना भ्रष्टाचार के चल नहीं सकता। भ्रष्टाचार वो तेल है जो लोकतंत्र की मशीन को चलाता है। तो कहानी खत्म हो गई, माने भ्रष्टाचार बढ़े और बढ़े। उसके बाद श्रीमती गांधी ने 14 साल देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कम नहीं हुआ और बढ़ गया। राजीव गांधी लड़ते रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, उनका हश्र आपकी आंखों के सामने था। फिर नरसिम्हा राव लड़ते रहे, इंद्र कुमार गुजराल लड़ते रहे, बीपी सिंह चंद्रशेखर लड़े, देवेगौड़ा लड़े, अटल बिहारी वाजपेयी लड़ते रहे, अब मनमोहन सिंह लड़ रहे। और भ्रष्टाचार है कि बढ़ता ही जा रहा है सुरसा के मुंह की। जीप स्कैंडल को जब मैंने पढ़ा, देखा, समझा, जाना, तो मुझे लगा कि जीप स्कैंडल जब हुआ था तो उस समय भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहा करती थी, अब भ्रष्टाचार का महासागर है। गंगोत्री की धारा बिल्कुल छोटी है, पतली है, अब महासागर है पूरे देश में। बहुत बुरी बुराई है इस देश में, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और हमारे देश के लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, शिक्षा नहीं है, साक्षरता नहीं है। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक लगता है ये कहना कि आजादी के 63 साल के बाद भी इस देश के लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं। हमारे भारत में 21 करोड़ परिवार है और नई जनसंख्या का अभी वो शुरू हुआ है, तो परिवारों की संख्या शायद 25 करोड़ होने वाली है। तो 25 करोड़ परिवारों में से 14 करोड़ परिवारों को कभी भी शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता, और 14 करोड़ परिवारों की माताओं बहनों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता, इसलिए उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा बीमारियां खराब पानी की हैं। खराब पानी से होने वाली बीमारियां सबसे ज्यादा है, और बीमारियों में खर्चा भी सबसे ज्यादा उसी में। और कई कई गांवों में तो इतना बुरा हाल है कि एक बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए दो दो तीन तीन किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, एक बाल्टी पानी लाने। मैंने मेरी आंखों से देखा है भारत के कई गांवों में, मैंने 10,000 से ज्यादा गांवों में प्रवास किया है पिछले 20 साल में, मैंने देखा है कि सुबह 3 बजे माताएं या भाई एक बाल्टी पानी लेने जाते हैं, 6-7 बजे तक पानी आता है, फिर खाना बनाते हैं, फिर बाल्टी खत्म हो जाती है, फिर दूसरा बाल्टी लेने के लिए जाते हैं, 12-1 बजे तक फिर पानी आता है, फिर दोबारा खाना बनाते हैं, फिर तीसरी बाल्टी लेके जाते हैं। जिंदगी का 1/3 समय वो सिर्फ पानी लाने में खर्च करते हैं। एक बार मेरे बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी मित्र हैं, उनसे मैंने पूछा कि आपके जो पुलिस स्टेशन सारे देश में है, इनमें सबसे ज्यादा जो मुकदमे आजकल आते हैं वो किस विषय पर है? तो उनका पानी के झगड़ों पर सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हो रहे हैं आजकल पुलिस स्टेशन, एक दूसरे के लोग सिर फोड़ रहे हैं पीने के पानी के। खराब हाल है इस देश में, और ये बुराइयां बहुत बहुत बता के मुझे आपको उदास नहीं करना है, लेकिन ये हकीकत है आज के भारत में। अब प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा भारत तब भी था? अब व्याख्यान का अगला हिस्सा मैं शुरू करना, तब का भारत कैसा था? तब के भारत में मैंने अपनी सीमा बनाई है, क्योंकि मेरे पास समय कम है। सीमा यह बनाई है कि अंग्रेजों के आसपास के भारत का आंकलन जरा किया जाए, अंग्रेज आने के पहले तक भारत कैसा था। अंदाजा लग जाएगा कि अंग्रेजों के आने के समय तक अगर ऐसा था तो उनके पहले कैसा होगा, एक अंदाजा हम लगा सकते हैं। मैं शुरुआत करता हूं अंग्रेजों के आने के समय के भारत के बारे में बात कहने के लिए एक व्यक्ति का नाम लेता हूं। उसका नाम था थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। एक अंग्रेज था, भारत आया, सन 1834 में भारत आया। उस समय इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी होता था विलियम बेंटिंक, गवर्नर जनरल था,
विलियम बेंटिंक। ये जो गवर्नर जनरल की पोस्ट होती है ये पोस्ट वैसी ही हुआ करती थी जैसे आज प्रधानमंत्री की पोस्ट है। प्रधानमंत्री को जितने अधिकार हैं इस समय उतने ही अधिकार गवर्नर जनरल को हुआ करते थे अंग्रेजों के जमाने। ये जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है ये सन 1860 तक चलती रही। जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में उसने बिजनेस शुरू किया वहां से शुरू होकर लगभग 1750 से गवर्नर जनरल आने लगे इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के। उसके पहले अधिकारी आते थे वो छोटे स्तर के आते थे, कैप्टन होते थे, मेजर होते थे, ग्रुप कैप्टन होते थे। गवर्नर जनरल हैसियत के 1750 से आना शुरू हुए और पहला गवर्नर जनरल माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को जो इस देश में आया। रॉबर्ट क्लाइव आया, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आया, फिर थॉमस कुक आया, फिर विलियम पिट आया, फिर लॉरेंस आया, फिर कर्जन आया, फिर लिलिथगो आया। इसी सीरीज में आया विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक 1829 में आया इस देश में और उसके लगभग 4 साल में ये आया 1833-34 में मैकॉले आया। मैकॉले को विलियम बेंटिंक की कैबिनेट मिनिस्ट्री का सलाहकार बनाया गया था। उस जमाने का जो मंत्रिमंडल होता था वो अंग्रेज तय करते थे और सारे अंग्रेजी होते थे उसमें, तो विलियम बेंटिंक था प्राइम मिनिस्टर ऐसे समझ लें, बाकी सब थे उसके कैबिनेट मिनिस्टर और ये जो था मैकॉले उसका था सलाहकार एडवाइजर। तो जब ये आया मैकॉले तो विलियम बेंटिंक ने इसको आते ही ये कहा कि तुम भारत को पहले देख लो, घूम लो, देख लो, समझ लो, तभी तुम मुझे कोई सलाह दे पाओगे भारत के बारे में। और मैकॉले के भी मन में था कि मुझे भारत देखना है क्योंकि उसके पहले उसने भारत कभी देखा नहीं था, सुना था भारत के बारे में। तो वो घूमने को निकल गया भारत में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम घूमा, 1.25 साल उसने देखा इस देश को, फिर वापस आया तो कलकत्ता में एक मीटिंग हुई, काउंसिल की मीटिंग। काउंसिल माने मिनिस्ट्री, गवर्नर जनरल हेड कर था, वो प्रिसाइड कर रहा था, उसके मंत्रिपरिषद के लोग बैठे थे। कलकत्ता उस समय भारत की राजधानी था, ये जो दिल्ली राजधानी बनी ये तो 1911 के बाद बनी। तो मैकॉले ने जो कहा वो मैं सुनाता हूं। उसने कहा आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया बट आई हैव नेवर सीन ए पर्सन हु इज ए बैगर एंड थीफ इन दिस कंट्री इंडिया। वो विलियम बेंटिंक को कह रहा है मीटिंग में कि मैंने भारत का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब देख लिया, लेंथ एंड ब्रेथ माने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब देख लिया, लेकिन एक भी भारतवासी को मैंने भिखारी नहीं देखा और एक भी भारतवासी को मैंने चोर नहीं देखा, ना चोर है ना भिखारी है। अब ये बात कह रहा है वो 1835, 2 फरवरी 1835 को ये मीटिंग हुई थी कलकत्ता में। 1835 का माने आज से 175 साल पहले। अब आज से 175 साल पहले एक अंग्रेज आता है और वो देखता है भारत को और कहता है कि यहां कोई भिखारी नहीं है, कोई चोर नहीं। तो उसको कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स ने पूछा क्यों नहीं है, तो कहता भारत में किसी को भिखारी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी के घर में धन और संपत्ति इतनी है कि कोई भिखारी होने के लिए जरूरत ही। फिर वो कहता चोर कोई इसलिए नहीं है, किसी के पास चोरी करने की फुर्सत ही नहीं है क्योंकि सबके पास पैसा है, संपत्ति है, तो चोरी कोई क्यों करे। तो उसको पूछा गया कि तुम भारत के सामान्य व्यक्ति के घर की संपत्ति के बारे में कुछ अंदाजा बताओ, तो मैकॉले कहता है कि मैं जब किसी साधारण भारतवासी के घर में गया तो मैंने देखा कि उसके घर में सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर होता है। सामान्य व्यक्ति के घर, राजाओं की बात नहीं कर रहा है। वो कहता राजाओं का तो कह ही नहीं सकता कितना धन है, लेकिन एक साधारण आदमी के घर में मैं घुसा तो मैंने देखा सोने के सिक्कों का ढेर घर में ऐसे है जैसे गेहूं और चने का ढेर। फिर वो कहता है मैंने जब भी किसी भारतवासी को ये पूछा कि आपके घर में कितने सोने के सिक्के हैं तो किसी भी भारतवासी ने मुझे सही जवाब नहीं दिया। हर भारतवासी ने मुझे ये कहा कि हम सोने के सिक्कों को गिनते नहीं है,
क्यों? तो कहता जो चीजें भारत में ज्यादा होती हैं वो गिनी नहीं जाती, वो तौल के रखी जाती। अब इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करें, मैं आपके घर में आऊं और ये पूछूं गेहूं के कितने दाने आपके पास हैं, तो आप कहेंगे क्या मूर्ख आदमी है, गेहूं के दाने पूछ रहा। ये पूछ भैया कितना गेहूं है, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 50 क्विंटल, क्योंकि गेहूं मात्रा में जब ज्यादा होता है तो तौल के रखा जाता है, जब मात्रा में कम होगा तो गिना। तो मैकोले कहता है कि सबके घर में सोने के सिक्के इतनी अधिक मात्रा में है कि कोई गिनता ही नहीं है, सब तौल के रखते। और फिर वो अपनी आगे बात कहता है, सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री दैट आई एम मेस्मराइज्ड। वो कहता मेरी आंखों में चमक पैदा हो गई है भारत के धन और संपत्ति को देखने के बाद। फिर विलियम पेंटिंग कहता है कि अपने देश की भारत से अगर तुलना करें तो, अपने देश माने इंग्लैंड की, तो कहता है कि इंग्लैंड की भारत से अगर तुलना करें तो इंग्लैंड तो कहीं भी नहीं है भारत के मुकाबले। हमारे देश में इतनी गरीबी है, इतनी भुखमरी है, इतनी बेरोजगारी है। फिर वो याद दिलाता है विलियम बेंटिंक को, क्या तुमने इंग्लैंड का इतिहास नहीं पढ़ा, 15वीं शताब्दी में 3.5 करोड़ लोग भूख से मर गए। ये वो खुद कह रहा है और मैंने इसको वेरीफाई किया, इस स्टेटमेंट को, कि 15वीं शताब्दी में सच में इंग्लैंड का क्या हाल था। तो 15वीं शताब्दी के इंग्लैंड में सच में भुखमरी इतनी ज्यादा थी कि 3.5 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। ये इंग्लैंड की कुल आबादी का 50% भूख से मर गए थे, इतनी गरीबी। तो विलियम पेंटिंग कहता है कि इंग्लैंड तो इतना गरीब है भारत की तुलना में, हम तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। फिर वो लंदन की बात कर रहा है और लंदन का कंपैरिजन कलकत्ता से कर रहा है। वो कहता है लंदन की सड़कों पे जाएं तो 2.5-3 फीट के खड्डे हैं और खड्डों में खड्डे हैं और खड्डों में से सड़क है, और इस कलकत्ते में देखो कितनी सुंदर सड़कें हैं, कितनी चौड़ी सड़कें हैं, कितनी अच्छी सड़क है। फिर एक मजाक में वो कहता है, बहुत खराब बात कह रहा है लेकिन वो मजाक में कह रहा है विलियम बेंटिंक को, क्या तुम्हें वो दृश्य याद नहीं है कि इंग्लैंड की सड़कों पर किनारे किनारे लोग सवेरे सवेरे बैठ जाते टॉयलेट के लिए, क्योंकि 15वीं-16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में टॉयलेट नहीं होते थे, संडास घर नहीं होते थे, तो कहता सड़क के किनारे नहीं बैठ जाते इंग्लैंड लंदन में, और फिर उस पर बर्फ गिर जाती है और वो जो मल है वो बर्फ के नीचे दब जाता है, फिर अगले साल तक इंतजार करना पड़ता है कब बर्फ पिघलेगी, कब हम उसकी सफाई करेंगे। ये वो खुद कहानी कह रहा है, किससे? विलियम बेंटिंक से। तो अंदाजा लग रहा है कि लंदन कितना रद्दी शहर था 1835 तक, सड़कों में खड्डे। और वो कहता है कि लंदन की सड़कों पे जाओ तो भिखारियों की लाइन दिखाई देती है, और यहां कलकत्ते में एक भिखारी नहीं देखा इतने दिन से मैं रह रहा हूं। लंबा वार्तालाप है उसका ये, मैकॉले का विलियम बेंटिंक के साथ, और इस वार्तालाप के कागज और मौजूद हैं, दस्तावेज मौजूद हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, आर्काइव्स में है, कुछ लंदन की लाइब्रेरी में पड़े हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में है, ब्रिटिश लाइब्रेरी में काफी कुछ दस्तावेज है। लेकिन ये एक कहानी है भारत की 1835 के आसपास की, कि भारत समृद्धशाली देश है, यहाँ कोई गरीब नहीं है, कोई चोर नहीं है, कोई भिखारी नहीं। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट पे रुक जाना ही काफी नहीं है। मेरे गुरु थे जिनका नाम था परम सम्माननीय श्री धर्मपाल जी, जिन्होंने सबसे ज्यादा खोज किया भारत के बारे में, अंग्रेजों के समय का भारत। उनके साथ मैंने मेरी जिंदगी का करीब 12-13 साल का समय बिताया। धर्मपाल जी के साथ मिलकर ये दस्तावेज ढूंढता रहा, देखता रहा, समझता रहा। तो मैंने एक बार उनसे सवाल किया कि धर्मपाल जी, अगर ये भारत ऐसा है, मैकॉले जैसा कह रहा, तो इसके बारे में और जानकारी लेनी चाहिए कि ये सोना घर घर में कहां से आया। मैकॉले कह रहा है कि हर घर में वो गया, जहां जहां गया तो उसने सोने के सिक्कों का ढेर देखा, गेहूं और चने के जैसा ढेर देखा,
तो भारत में इतने सोने के सिक्के कहां से आ गए? क्योंकि भारत में सोना तो इतना पैदा होता नहीं है। भारत में 90 तरह के खनिज पदार्थ हैं लेकिन सोना नहीं है, सोने का उत्पादन बहुत कम है। कर्नाटक में एक छोटा सा जिला है कोलार, वहां पे थोड़ा सोना होता है, लेकिन वो भी पिछले 25-30 साल में ही आया निकल के, उसके पहले तो पता नहीं था कोलार का। तो ये आया कहां से सोना? तो धर्मपाल जी ने कहा ये पक्का है, लूटा तो है नहीं हमने किसी से, क्योंकि भारत में लूटने की परंपरा नहीं है, तो कहीं और से आया होगा, तो ढूंढो उसको। तो ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि भारत में सबसे ज्यादा सोना आया एक्सपोर्ट करने से, निर्यात करने से। और भारत अंग्रेजों के आने के 3000 साल पहले से निर्यातक देश रहा, एक्सपोर्टिंग कंट्री था 3000 साल पहले से, अंग्रेजों के आने के 3000 साल पहले से, माने ईसा मसीह के जन्म के पहले से भारत निर्यातक देश रहा। और उसके दस्तावेज मिलते गए तो पता चला सबसे ज्यादा निर्यात हमने 3000 साल किया कपड़े का, हमने कपड़ा बेचा दुनिया, और न सिर्फ बेचा बल्कि दुनिया को कपड़ा पहनाया, और न सिर्फ पहनाया बल्कि दुनिया को कपड़ा बनाना हमने सिखाया। सारी दुनिया ने कपड़ा बनाना भारत से सीखा, कपड़ा बनाने की जो कला है, कारीगरी है, वो भारत में सबसे पहले आई, भारत ने चीन को सिखाई और चीन ने फिर और भी कई देशों को सिखाई, ऐसे करके ये निकली कला। और कपड़ा बनाना यहाँ 3000 साल से कैसे होता रहा? क्योंकि कपास होती है इस देश में हजारों साल से, और अच्छी क्वालिटी की कपास होती है, छोटे रेशे वाली कपास होती है, छोटे रेशे की कपास का कपड़ा बहुत बारीक बुनता है। तो हमारे यहाँ मलमल का कपड़ा होता था, सूरत की मलमल, ढाका की मलमल, त्रावणकोर की मलमल, मालवा की मलमल, ये मालवा में बहुत अच्छी कपास होती रही। और वो मलमल का कपड़ा हम जो दुनिया में बेचते थे, उस कपड़े के बारे में अंग्रेजी दस्तावेज ये कहते हैं कि 15 मीटर लंबा कपड़े का थान तह करते जाए तो माचिस की डिब्बी में आ जाता, इतनी बारीक। 15 मीटर का लंबा थान एक अंगूठी में से खींच के निकाले तो पूरा थान निकल आता, इतनी बारीक बुनाई। और ये बुनाई हाथ से होती थी, मशीनें नहीं थी, हाथ की बुनाई थी। और ये कपड़ा जब इंग्लैंड और यूरोप के बाजार में बिकने को जाता था तो इसकी बिकने की जो बात है समझ में आई वो ये कि तराजू के एक पल्ले में कपड़ा रखा जाता था, उसके वजन के बराबर सोना दूसरे पल्ले में रखा जाता था, सोने के बदले में हमारा कपड़ा बिकता था, इतनी प्रीमियम क्वालिटी का कपड़ा हम बनाते थे। और 3000 साल हमने ये कपड़ा बेचा। आपको हैरानी होगी, रोम का जो साम्राज्य था, रोम के साम्राज्य में जितने राजा हुए, जैसे क्लॉडियस एक बड़ा राजा हुआ, नीरो का नाम तो आप सभी जानते हैं ना, उसकी कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो नीरो एक बड़ा राजा हुआ, क्लॉडियस एक बड़ा राजा हुआ, ऐसे रोम के साम्राज्य में सैकड़ों राजाओं ने भारत का कपड़ा पहना, उनकी रानियों ने भारत का कपड़ा पहना। और ये रोमन एम्पायर की कहानी तो बहुत पुरानी है, लेटेस्ट बात करता हूँ 1835 में, जब ये मैकॉले बात कर रहा है विलियम बेंटिंक के साथ। वो कहता हमारी रानी भी तो भारत का ही कपड़ा पहनती है, क्योंकि इंग्लैंड में कपड़ा बनता ही नहीं है उस क्वालिटी का। तो हम कपड़े के बहुत बड़े एक्सपोर्टर रहे, कपड़े ही जैसी एक दूसरी चीज हमने बहुत एक्सपोर्ट की पूरी दुनिया में, स्टील बनाया और सबको बेचा। स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी भारत में हजारों साल पुरानी, और अंग्रेज जो हमारे यहाँ आए, उन अंग्रेजों में से एक अंग्रेज था, उसका नाम था कैप्टन जे कैंपवेल, उसने इंडियन स्टील पे बहुत रिसर्च किया, और उसने लिखा है अपनी पुस्तक में कि भारत का स्टील दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का है। और वो कहता है कि इस क्वालिटी का स्टील तो कोई बना ही नहीं सकता जो भारत में बनता है। वो कहता है भारत के स्टील की विशेषता है कि हम जिससे पानी के जहाज बनाते हैं, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी,
वो सारा स्टील भारत से खरीदते हैं, और भारत के स्टील से जो ईस्ट इंडिया कंपनी पानी का जहाज बनाती है वो जहाज कम से कम 70 साल चलता है। और वो कहता है कि डेनमार्क का स्टील से अगर हम पानी का जहाज बनाएं तो वो 15 साल चलता है, और भारत का जहाज 70 साल। फिर वो कहता है 70 साल तक तो हम चलाते हैं उस जहाज को, फिर बेच देते हैं उसको, और दूसरे देश उसको 15-20 साल चला लेते हैं। फिर उस जहाज को ब्रेक किया जाता है, शिप ब्रेकिंग होता है, और उसके लोहे को फिर तीसरे जहाज में लगा देते हैं। और वो कहता है कि 70 साल तक भारत के स्टील के बनाए हुए जहाज पानी पर तैरते रहते हैं, लेकिन उन जहाजों में जंग नहीं लगता, रस्टिंग नहीं होती। वो कहता है इस क्वालिटी का स्टील भारत बनाता है। ये दस्तावेज पढ़ने के बाद पता चला कि स्टील बनाना सारी दुनिया में सबसे पहले भारत में शुरू हुआ, और हमने स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी दुनिया को सिखाई, क्योंकि आयरन ओर हमारे पास हजारों साल से था। जब 1835 की ये कहानी है ना, विलियम वेंटिंग और मैकॉले का जो डायलॉग है, उस समय हमारे यहाँ 20,000 से ज्यादा स्टील कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी, और लाखों मीट्रिक टन स्टील बनता, और ये सबसे ज्यादा थे झारखंड में, उड़ीसा में और आसाम में, थोड़ा बंगाल में और महाराष्ट्र में, गोवा में और कर्नाटक, यही एरिया है जहां आयरन ओर है, वहीं स्टील बनाने का काम होता, लाखों टन स्टील बनता। और भारत के स्टील के बारे में एक कहानी तो आप भी जानते हैं, वो सिर्फ मैं रिमाइंड करना चाहता हूं कि भारत का एक लौह स्तंभ है मेहरौली में, उस पर अभी तक जंग नहीं लगा, इस क्वालिटी का स्टील हम बनाते रहे, जंग रहित स्टील आज कोई नहीं बना पाता दुनिया। टाटा का स्टील भी जंग रहित नहीं है, उसमें भी जंग लग जाता है, हम ऐसा स्टील बनाते थे 1,000 साल पहले से। फिर ऐसे एक तीसरी चीज हम बनाते थे, वो थी ईंट, ब्रिक, पतली ईंट होती थी, ककई आयरन, सारी दुनिया में हम बेचते थे, और उस ईंट की विशेषता है कि उसकी उम्र कम से कम 1,000 साल की। ईंट से ईंट को जोड़ने के लिए हम चूना बनाते थे, अभी सीमेंट है, पहले चूना बनता था, और चूने की कम से कम जिंदगी 500 साल होती है, 500 साल तक चूना टूटता नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे राजा महाराजाओं के किले हैं 500 साल से पहले के, वो अभी तक टूटे नहीं, क्रैक भी नहीं है, अभी भी सुरक्षित है। सीमेंट की विशेषता है कि नए से नया सीमेंट तीसरे दिन में क्रैक दे देता, नए से नया, और चूना 500 साल तक क्रैक नहीं देता, ऐसा चूना हम बना के बेचते रहे। और ऐसी हम सैकड़ों चीजें बनाते थे, अब ज्यादा विस्तार में नहीं जा सकता, समय बार बार मैं देख रहा हूं कम है, तो हम ये सब बनाते थे और बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे, इसके बदले में सोना मिलता था, क्योंकि उस जमाने में करेंसी नहीं होती थी, सोना होता था, जो भी कोई चीज बेचो बदले में सोना मिलता। तो सारी दुनिया से 3,000 साल तक हमने वस्तुएं बेचकर सोना कमाया, और वो सोना इतना इकट्ठा हुआ कि मैकॉले ने घर घर में सोने के सिक्कों का ढेर देखा, और तभी शायद दुनिया ने भारत को सोने की चिड़िया कहा। हमारे देश में अद्भुत बात यह हुई कि हमने सोना लाया, मेहनत करके एक्सपोर्ट किया, प्रोडक्शन किया, एक्सपोर्ट किया, माल बेचा, उसमें से सोना कमाया, लूट के नहीं लाया, क्योंकि लूटना हमारी परंपरा नहीं है। भगवान श्री राम ने सोने की लंका को जीता था, लूटा नहीं था, लंका जीत ली, लूटी नहीं। लक्ष्मण को तो लालच आया था कि लंका का सोना अयोध्या लेके चले, तो श्री राम ने कहा लूटना हमारी परंपरा नहीं। तो लक्ष्मण ने कहा कि अयोध्या तो बहुत गरीब है लंका की तुलना में, तब श्री राम ने उत्तर दिया था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भले गरीब है लेकिन स्वर्ग जैसी है हमारे लिए, तो हम लूटने नहीं आए। श्रीलंका को लूटना तो आसान था ना, रावण को मारा, विभीषण को राजा बनाया, विभीषण तैयार था सारी लंका श्री राम के चरणों में अर्पित करने को, तो भी विभीषण को कहा कि हम लूटने नहीं आए, एक ग्राम भी सोना नहीं लाया।
और ये जो श्री राम की परंपरा रही, ये सभी चक्रवर्ती राजाओं ने इस परंपरा का निर्वहन किया। चंद्रगुप्त रहा हो, अशोक रहा हो, हर्षवर्धन रहा हो, कोई भी चक्रवर्ती सम्राट को आप देखोगे, दूसरे देशों को हमले किए, हमने जीत भी की है, लेकिन लूटा किसी देश को नहीं। तो बिना लूटे तो सोना आया कैसे? तो वो आया व्यापार करके, निर्यात करके, और सोना इतना आया कि हमने अपनी जिंदगी में भरपूर उसका इस्तेमाल किया, और बच गया तो हमने उसके मंदिर बना डाले। सोने के मंदिर इसी देश में बने, सोने की मस्जिद, सोने का गिरजाघर अभी तक नहीं बना किसी देश में, लेकिन सोने के मंदिर इस देश में बने। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, गुरुवायूर का स्वर्ण मंदिर, त्रिचिन्नापल्ली के स्वर्ण मंदिर, कोयम्बतूर के स्वर्ण मंदिर, मैसूर के स्वर्ण मंदिर, आधुनिक समय में कहें तो वैष्णो देवी का स्वर्ण मंदिर, तिरुपति बालाजी का स्वर्ण मंदिर, इन सब मंदिरों में हजारों हजारों टन सोना लगा हुआ है। 13,000 से ज्यादा मंदिर हैं भारत में जहां सोना लगा है, हजारों टन। और इन मंदिरों को लूटने के लिए जब विदेशी आए तो उनको एक एक मंदिर लूटने में 17 साल लगा। महमूद गजनवी को सोमनाथ का मंदिर लूटने में 17 साल लगे थे। 18वीं बार फिर आया था लूटने के लिए, रास्ते में मर गया, वो अलग बात है। ऐसा देश गरीब नहीं था, भुखमरी का शिकार नहीं था, बेरोजगारी का शिकार नहीं था, समृद्धशाली देश था, पैसे वाला देश था। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, फिर आपको याद दिला रहा हूं, 175 साल पहले तक का भारत ऐसा था। ये जो मैकोले आया ना, इसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस किया, ये तो आप सब जानते हैं। उसने अंग्रेजी शिक्षा लाई, लेकिन भारत की शिक्षा को तहस नहस करने से पहले भारतीय शिक्षा का सर्वेक्षण कराया। मैकोले ने किया, विलियम बेंटिंग ने किया, और इसके पहले के कई अंग्रेजों ने किया। एक अंग्रेज था, उसका नाम था G.W. लिटनर। उसने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सर्वेक्षण किया, और उसने ये कहा कि भारत में 97% लिटरेसी रेट है। 1823 के आसपास की बात है, 97% साक्षरता है पूरे भारत। एक थॉमस मुनरो नाम का अंग्रेज अधिकारी था, उसने दक्षिण भारत का सर्वे करा है शिक्षा का, और वो कहता है कि यहां की साक्षरता तो 100% है दक्षिण भारत। और मुनरो और लिटनर की जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी भी मौजूद हैं, हम पढ़ सकते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में है, भारत में भी है, आर्काइव्स में है। इन रिपोर्टों को पढ़कर हैरानी होती है कि एक भी गांव ऐसा नहीं था इस देश में 1823 तक जहां गुरुकुल ना हो, स्कूल ना हो। कई कई गांव में तो दो दो गुरुकुल थे, और उस जमाने में सामान्य गांव की संख्या 7,32,000 के आसपास थी, इतने ही गुरुकुल थे, इतने ही स्कूल थे, और 5 साल की उम्र से लेकर बच्चे पढ़ना शुरू करते थे। मुझे बहुत हैरानी देने वाला एक सत्य पता चला जब मैं ये रिपोर्ट्स पढ़ता था कि भारत के गुरुकुल में किसी भी विद्यार्थी को जब दाखिला मिलता था तो उसकी उम्र उस दिन 5 साल 5 महीने 5 दिन और 5 घंटे होनी चाहिए थी, तब दाखिला मिलता था। इतना परफेक्शन है कैलकुलेशन, 5 साल 5 महीने 5 दिन 5 घंटे, इतनी उम्र पूरी हुई तब विद्यार्थी को भर्ती कराया जाएगा, उसके पहले भर्ती नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई गहरे कारण रहे होंगे, उनको ढूंढने की जरूरत है। अभी तो भारत पर बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। और इन गुरुकुलों में जो बच्चे पढ़ते थे वो 14 साल तक पढ़ते थे सामान्य रूप से, और उनको कई विषय पढ़ाए जाते थे, वेदों तो पढ़ाए ही जाते थे, गणित पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाई जाती थी, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, मेटलर्जी पढ़ाई जाती थी, धातु विज्ञान पढ़ाया जाता, और ये सब बच्चे पंडित होकर, माने पारंगत होकर निकलते थे अपने अपने विषय।
और प्राथमिक शिक्षा होती थी, माध्यमिक शिक्षा भी होती थी और उच्च शिक्षा भी होती थी। उच्च शिक्षा के 14,000 से ज्यादा कॉलेज थे इस देश में 1823 तक। विश्वविद्यालय थे इस देश में, हमने तो दो ही विश्वविद्यालयों के नाम सुने हैं, तक्षशिला और नालंदा। ये तो बहुत पुरानी कहानी है, मैं तो 175 साल पहले के सैकड़ों विश्वविद्यालयों के नाम गिना सकता हूँ। 175 साल पहले, समय की कमी है इसलिए इसको वाइंड अप करना है मुझे जल्दी। विश्वविद्यालय थे, डिग्री कॉलेजेस थे, प्राइमरी स्कूल्स थे, सेकेंडरी स्कूल्स थे, गुरुकुलों के नाम से चलते थे। और अद्भुत व्यवस्था ये होती थी कि ये सारा शिक्षा का तंत्र राजा की मदद के बिना चलता था, समाज के लोग चलाते थे इसको। ये महत्व की बात, राजा गुरुकुल नहीं चलाते थे, गुरुकुलों को समाज चलाता था। और समाज कैसे चलाता था, हर गांव में गुरुकुल के नाम एक जमीन बनाई जाती थी, मान्यम भूमि कहते थे उसको। उस भूमि में जितना उत्पादन होगा वो सब गुरुकुल के लिए जाए और बचेगा तो मंदिर के लिए जाए। फिर कई बार किसी गांव में मंदिर के पास सरप्लस हो जाता था तो वो गुरुकुल को देता था, गुरुकुल के पास सरप्लस हो मंदिर को देता था, ऐसे चलता था। राजाओं ने नहीं की है इस देश की शिक्षा व्यवस्था, प्रजा ने की। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जब 1823 में भारत में 100% लिटरेसी दक्षिण में थी, 97% उत्तर भारत में लिटरेसी थी, उस समय इंग्लैंड में कोई पढ़ता नहीं था। इंग्लैंड में पहला स्कूल जो शुरू हुआ पढ़ाई का वो 1868 में शुरू हुआ, पहला स्कूल 1868 में। और हमारे यहां 1823 में 7,32,000 से ज्यादा स्कूल थे। 1868 में पहला स्कूल शुरू हुआ लंदन में, वो भी चर्च के पिछवाड़े में। और इस स्कूल में एक ही सब्जेक्ट था, थियोलॉजी, धर्मशास्त्र पढ़ाते थे, माने बाइबल और कुछ नहीं। और यहां एक एक गुरुकुल में 18 विषय पढ़े जाते। आपके मन में एक सवाल आएगा कि पहला स्कूल अगर 1868 में खुला लंदन में, तो ये ऑक्सफोर्ड की कहानी क्या है, कैम्ब्रिज की कहानी क्या? क्योंकि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड वाले ये दावा करते हैं ना कि हम तो 10वीं शताब्दी से चलाते हैं। तो ये जो ऑक्सफोर्ड था ना 10वीं शताब्दी में, एक तरह से थिएटर था। थिएटर समझते, जहां तलवारबाजी होती थी, तीरंदाजी होती थी, तलवारबाजी होती थी, कुछ नाटक वाटक खेले जाते थे, वो थिएटर था 10वीं शताब्दी में ऑक्सफोर्ड। और कैम्ब्रिज भी वैसे ही था। इनको यूनिवर्सिटीज का जो दर्जा मिला है वो तो 1760 के बाद मिला है, जब भारत से पैसा लूट लूट कर इन्होंने लंदन ले जाना शुरू किया। फिर उस पैसे से उन्होंने थोड़ा बहुत उसका बनाव सिंगार किया। स्कूल तो पहला 1868 में खुला और ये 1760 में थोड़ा वहां धर्मशास्त्र और बाइबिल की पढ़ाई शुरू हुई थी, लेकिन वो पढ़ाई आम आदमी के लिए नहीं थी, खास लोग ही पढ़ सकते थे इंग्लैंड। शिक्षा सबके लिए नहीं थी, राजा, राजा का बेटा, उनके जो कर्मचारी अधिकारी वो ही पढ़ सकते थे, बाकी के लिए तो शिक्षा थी ही नहीं, पब्लिक एजुकेशन नहीं थी वहां। शिक्षा में हम बहुत ऊंचे थे, उद्योग में बहुत ऊंचे थे, विज्ञान और तकनीकी में भी हम बहुत ऊंचे थे। हमने मेटलर्जी सारी दुनिया को सिखाई है, हमने मैथमेटिक्स पूरी दुनिया को सिखाया। ये गणित का जो नंबर सिस्टम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भारत ने सारी दुनिया को बताया। ये जो शून्य का आविष्कार है ये भारत का आविष्कार है। एस्ट्रोनॉमी के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सारी दुनिया में वो भारत के दिए हुए हैं। एस्ट्रोफिजिक्स के बहुत सारे प्रिंसिपल भारत के दिए हुए, बहुत कुछ हमने दिया है। और उसके ज्यादा विस्तार में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि समय कम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मैकॉले आया है इस देश में तो शिक्षा से भरपूर भारत, समृद्धि से भरपूर भारत, उत्पादन से भरपूर भारत। मैकॉले जहां जहां गया उसकी डायरी में उसने नोटिंग की है, दक्षिण भारत के अरकाट गांव का वो जिक्र कर रहा है और कह रहा है कि धान का इतना उत्पादन यहाँ होता है हम तो सोच नहीं सकते।
दक्षिण भारत में 1840 तक एक एकड़ में 66 क्विंटल तक धान होता था, 66 क्विंटल पर एकड़, 66 क्विंटल, जबकि यूरिया नहीं था, डीएपी नहीं था, सुपरफॉस्फेट। और दक्षिण भारत के सामान्य खेतों में जो खराब से खराब खेत माने जाते थे वहां 20 क्विंटल धान होता था एक एकड़, अच्छे से अच्छे खेत में 66 क्विंटल, खराब से खराब खेत में 20 क्विंटल धान, इतना प्रोडक्शन। आज मालूम है अच्छे से अच्छे खेत में 30 क्विंटल धान नहीं होता इस देश में, पूरी ताकत लगा दें यूरिया डीएपी की तो भी नहीं होता। तो उत्पादन भरपूर था, खेतों में कारखानों में उद्योग चलते थे, व्यापार बहुत होता था। भारत के व्यापार का अंदाजा अगर आप लगाना चाहें तो ऐसे लगाइए, सारी दुनिया में जो कुल निर्यात होता था उसका 33% अकेले भारत का था, पूरी दुनिया 33%। उत्पादन का अंदाजा लगाना चाहें तो इस बात से लगाइए कि सारी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता था उसका 43% उत्पादन अकेले भारत में था। आमदनी का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगाइए कि सारी दुनिया में जो कुल आमदनी थी उसकी 27% आमदनी अकेले भारत में थी, ऐसा देश था भारत। यूं ही इस देश को लोगों ने सोने की चिड़िया नहीं कहा, इसके पीछे बहुत गहरी बात थी। एक अंग्रेज इतिहासकार हुआ, उसका नाम है विलियम डिग्बी, उसने बहुत बड़ा एक ग्रंथ लिखा है भारत के बारे में, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और ये ग्रंथ 7 भाग में है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5, Part 6, Part 7। तो पहले खंड में पहले ही वाक्य जो लिख रहा है वो सुनाता हूं, वो कहता है भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का महासागर है। वो कहता है करेक्शन करना चाहिए, सोने की चिड़िया नहीं है, सोने का महासागर। फिर आगे लिखता है कि सारी दुनिया की नदियों के पानी की तरह से सोना बहकर भारत में आता है और भारत से 1 ग्राम भी सोना बाहर नहीं जाता। क्यों? तो वो कहता है भारत सिर्फ एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट कुछ नहीं करता, आयात करता ही नहीं, भारत जाएगा कैसे सोना यहां, निर्यात ही निर्यात करता है तो आता ही आता है, आता ही आता है, आता ही आता है। ये विलियम डिग्बी का रिसर्च है भारत के बारे में। और ये विलियम डिग्बी का तो मैंने नाम ले लिया क्योंकि याद आ गया, ऐसे 200 से ज्यादा इतिहासकार हैं इंग्लैंड के, अमेरिका के, जिन्होंने भारत पर रिसर्च किया है और उनकी यही ओपिनियन है कि भारत सोने का महासागर है। तो 175 साल पहले का भारत इतना अच्छा दिख रहा है और 175 साल बाद का भारत इतना रद्दी दिख रहा है, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, महामारी, अशिक्षा, अभाव, दरिद्रता। तो क्या हुआ इस 175 साल में इस देश में? इस 175 साल की कहानी को अब मैं अंत में ले जा रहा हूं, हुआ क्या इस देश में? जब अंग्रेजों को यह समझ में आ गया ना भारत इतना समृद्धशाली है, इतना पैसे वाला है, अंग्रेजों को वैसे ये बात 1757 में समझ में आ गई थी, 1835 तक तो वो कुछ कुछ करते रहे, बात 1757 में समझ में कब आई? जब ये आया ना रॉबर्ट क्लाइव हमारे देश में बंगाल की लड़ाई लड़ने जिस लड़ाई का नाम है प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। उस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था, सिराजुद्दौला हार गया था, और ये बड़ी दर्दनाक कहानी। सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिकों की सेना थी, रॉबर्ट क्लाइव के पास 350 सैनिक थे। अब 350 सैनिक का सैनिक सेनापति जीत गया और 18,000 सैनिकों का राजा हार गया, कैसे? रॉबर्ट क्लाइव ने जब देखा कि अंग्रेजों की सेना बहुत कम है और भारतवासियों की सेना बहुत बड़ी है तो उसने चालाकी की और अंग्रेज इसी चालाकी के दम पर इस देश में राज करते रहे। चालाकी क्या की उसने? उसने भारत की सेना के सेनापति को फोड़ लिया, उसका नाम था मीर जफर, उसको पैसे का लालच दिया और कुर्सी का लालच दिया। मीर जाफर को कहा कि तुमको राजा बनाऊंगा मैं बंगाल का और तुमको 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, तुम मेरी मदद करो।
मीर जाफर ने कहा क्या मदद करनी है, तो उसने कहा तुम युद्ध मत लड़ो मेरे साथ, सरेंडर करा दो अपनी पूरी आर्मी को मेरे सामने। मीर जाफर तैयार हो गया पैसे के लालच में कुर्सी के लिए, और उसने 18,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करा दिया 350 अंग्रेज सैनिकों के सामने। युद्ध हुआ ही नहीं प्लासी के मैदान में, चालाकी के साथ एक संधि हुई मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इस संधि का जो विटनेस था वो एक सेठ था, उसका नाम था सेठ अमीचंद, उस वो विटनेस था। संधि हुई दोनों के बीच में, संधि के पेपर मौजूद हैं, कागज मौजूद हैं, कभी मौका मिला तो आपको आस्था चैनल पे मैं दिखाऊंगा वो पेपर्स, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर की संधि के पेपर्स। तो उसमें सेठ अमीचंद अब गवाह बना, और वो गवाह बना रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से। रॉबर्ट क्लाइव को वो अपने घर में टिकाए हुए था, खाना खिलाता था, सब सेवाएं करता था उसकी, सेठ अमीचंद। कलकत्ता की कहानी है। तो युद्ध में, युद्ध तो हुआ नहीं, संधि हो गई, संधि में रॉबर्ट क्लाइव ने समर्पण करा दिया, माफ करना, मीर जाफर ने समर्पण करा दिया अंग्रेजों के सामने। तो मीर जाफर के समर्पण के बाद अंग्रेजों ने घोषित कर दिया हम जीत गए, जीते बीते नहीं थे, घोषणा कर दी हम जीत गए, और 18,000 सैनिकों को बंदी बनाने का झूठ मूठ का नाटक किया। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा है, वो बात बहुत दर्द देती है हमें। वो कहता है कि जब मैंने ये युद्ध जीत लिया तो 18,000 भारत के सैनिक मेरे पीछे, और मैं घोड़े पर सबसे आगे, मेरे पीछे 350 सैनिक, उसके पीछे 18,000 भारत के सैनिक, हमने कलकत्ता के प्लासी से लेकर यात्रा निकाली, विजय जुलूस निकाला, ये बताने के लिए कि हम जीत गए, जीते बीते नहीं थे लेकिन लोगों को बताना है कि देखो हम जीत गए। तो विजय जुलूस निकाला, तो कहता है कि उस विजय जुलूस में मैं आगे चलता था, मेरे पीछे 350 अंग्रेज सैनिक थे, 18,000 भारतीय सैनिक थे, और सड़क के दोनों किनारे हजारों भारतवासी हमारा जुलूस देखते थे। अगर किसी एक एक भारतवासी ने उठाकर पत्थर हमें मारा होता तो भारत का इतिहास 1757 में ही बदल गया होता। ये उसने लिखा अपनी डायरी में, और उसने कहा कि भारत के लोगों ने हमारे जुलूस पे तालियां बजाई, पत्थर नहीं मारे, जो पत्थर मारते भारतवासी तो हम तो मर गए होते। और वो लिखता है डायरी में कि उसी दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि हम भारत को जीत लेंगे, क्योंकि ये ताली बजाने वाले लोग हैं, पत्थर मारने वाले लोग नहीं। तो उसने कहा भारत को तो हमने उसी दिन जीत लिया। बाद में कहानी आप सब जानते हैं, सिराजुद्दौला का मर्डर कराया रॉबर्ट क्लाइव ने, मीर जाफर को, मीर कासिम को थोड़े दिन राजा बनाया, फिर मीर कासिम को हटाया, मीर जाफर को बनाया, फिर मीर जाफर को मार डाला रॉबर्ट क्लाइव ने, और खुद राजा बन गया बंगाल का, और वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। फिर इसने लूट की कलकत्ते की रॉबर्ट क्लाइव ने, और 7 साल लूटता रहा ये कलकत्ते को। 7 साल बाद इसका ट्रांसफर हो गया, वापस लंदन चला गया। तो लूट का सारा धन इसने भारत से लंदन ले जाने के लिए पानी के कुछ जहाज किराए पे लिए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इससे पूछा गया कि तुम भारत से जो धन लाए हो वो कितना है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा मैंने गिना नहीं है, तो भी बताओ कितना है। तो उसने कहा भारत से मैं सोने के सिक्के लाया, चांदी के सिक्के लाया, हीरे जवाहरात लाया, और ये सब लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज किराए पर लेने पड़े। अंदाजा आप लगाइए कितना लूटा एक रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव कोई अकेला लुटेरा नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव गया, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आया उसने लूटा, फिर विलियम पिट आया उसने लूटा, फिर कर्जन आया उसने लूटा, और ऐसे 84 गवर्नर जनरल आए, लूटते ही रहे इस देश को। उस लूट के कारण ये देश गरीब होता चला गया, ये देश गरीब नहीं था, लूट ने इस देश को गरीब बनाया, और अंग्रेजों ने बेतहाशा लूटा।
और जब सारा लूटा लूटा धन इंग्लैंड जाने लगा तो इंग्लैंड अमीर होने लगा, भारत गरीब होने लगा, और उस लूटे हुए धन से उन्होंने क्रांति की जिसको औद्योगिक क्रांति कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वो उसी पैसे से हुई। फिर दुनिया में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा पैदा हुआ, बहुत सारे देशों ने गाली देना शुरू किया अंग्रेजों को कि तुम भारत को बहुत लूट रहे हो। तो अंग्रेजों ने नया काम किया, उन्होंने क्या किया कि भारत को अब ऑफिशियली लूटेंगे, अनऑफिशियल नहीं। पहले अनऑफिशियल लूटा, फिर ऑफिशियल लूटेंगे। तो ऑफिशियल लूटेंगे तो क्या करेंगे, कानून बना के लूटेंगे, पहले बिना कानून के फिर कानून बना के। तो अंग्रेजों ने कुछ लूट के कानून बनाए इस देश में। अंग्रेजों की संसद में बहस हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग, और बहस इस बात की है कि भारत को कैसे कैसे लूटा जाए। तो सांसद अपने अपने सुझाव दे रहे हैं, तो वो कहते हैं भारत के लोगों को लूटना है ना तो सबसे पहले उनके यहां उत्पादन पे टैक्स लगा दो, क्योंकि भारत के लोग उत्पादन बहुत करते हैं ना, सारी दुनिया के उत्पादन का 43%, इस उत्पादन पे हम टैक्स लेने लगे हैं भारत में तो बहुत पैसे मिलेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा डन, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहला कानून बनाया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्ट, उत्पादन पे टैक्स लेने का कानून। और टैक्स कितना फिक्स किया उन्होंने, 100 रुपए का अगर हम उत्पादन करें तो 350 रुपए टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। फिर अंग्रेजों ने कहा कि अगर उत्पादन पे भारतवासी टैक्स दे सकते हैं तो और एक टैक्स लगा दो, बिक्री, क्योंकि उत्पादन करेंगे तो बेचेंगे, बेचने पे फिर टैक्स लगा दो। तो अंग्रेजों ने लगाया CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और वो था 120%। 100 रुपए का माल बेचो, 120 रुपए CST में। फिर अंग्रेजों ने कहा कि अगर बेच रहे हैं कुछ माल तो मुनाफा कमाएंगे भारतवासी, तो मुनाफे पे फिर टैक्स लगा दो इनको। तो उन्होंने लगा दिया इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स लगाया 97%। 100 रुपए इनकम करो, 97 रुपए अंग्रेजों को दो टैक्स। फिर अंग्रेजों ने तय किया कि ये माल बनाएंगे, बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे, तो माल को एक गांव से दूसरे गांव लेके जाएंगे तो लाने ले जाने पर टैक्स लगा दो। तो रोड टैक्स लगा दिया, और रोड के ऊपर कोई पुल पर से माल जा रहा है तो टोल टैक्स लगा दिया। फिर उन्होंने कहा कि जिस गांव में माल बना रहे हैं वहां एक टैक्स लगा दो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स, ये 1840 में आया। फिर उन्होंने तय किया कि जिस गांव में सामान लेके आते हैं गांव में घुसते ही एक टैक्स और लगा दो, ऑक्ट्रॉय। तो सेंट्रल एक्साइज लगाया, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया, इनकम टैक्स लगाया, रोड टैक्स लगाया, टोल टैक्स लगाया, ऑक्ट्रॉय लगाया। फिर अंग्रेजों ने कहा कि ये भारतवासी जो भी कुछ बनाएंगे मुनाफा कमाएंगे तो मुनाफे से अपने घर बनाएंगे तो घरों पे टैक्स लगा दो, हाउस टैक्स। फिर उन्होंने कहा कि घर बनाने के बाद भी इनके पास पैसे बचेंगे तो प्रॉपर्टी बनाएंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स लगा दो। ऐसे 23 टैक्स लगाए अंग्रेजों, और टैक्स लगा के खूब जम के लूटा इस देश में। 1840 से 1947 तक अंग्रेजों ने 23 टैक्स लगाकर जो भारत को लूटा, उसके सारे रिकॉर्ड्स बताते हैं कि करीब 300 लाख करोड़ रुपए लूटा उन्होंने भारत से टैक्स लगा के। और बिना टैक्स लगाए रॉबर्ट क्लाइव ने जो लूटा 900 पानी के जहाज भर के ले गया, वो तो कहानी अलग है। तो भारत की जो गरीबी आई है वो लूट में से निकली, हम गरीब नहीं थे, हमको लूटा गया इसलिए गरीब हो गए। और दुनिया का सर्वमान्य सिद्धांत है कि जो लूटता है वही गरीब होता है, जो लूटता है वही अमीर होता है। अंग्रेजों ने लूटा तो वो अमीर हो गए, हम लूटे तो गरीब हो गए। तो हमारी गरीबी का ऐतिहासिक कारण है, कोई आध्यात्मिक कारण नहीं, कोई सामाजिक कारण नहीं, ऐतिहासिक कारण है, इसलिए हम गरीब। और इस गरीबी में से बेरोजगारी आ गई, वो कैसे आई, जब हमारे सामानों पे अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिए तो वो सामान महंगे हो गए, दुनिया के बाजार में जो हमारा एक्सपोर्ट था वो घटने लगा क्योंकि महंगी चीज बिकती नहीं।
तो 33% जो हम एक्सपोर्ट किया करते थे वर्ल्ड मार्केट में, वो घट के 5% रह गया। और जब एक्सपोर्ट घट गया तो हमारे कारखाने बंद हो गए, और कारखाने बंद हुए तो मजदूर बेकार हुए, तो उसमें से बेरोजगारी पैदा हुई, और ये गरीबी बेरोजगारी के दुष्परिणाम से भुखमरी पैदा हुई। और अंग्रेजों के 1840 से 1947 के शासनकाल में 4.5 करोड़ भारतवासी भूख से मरे, 107 साल के शासनकाल, 4.5 करोड़। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजी स्कूल लाए, कॉन्वेंट स्कूल शुरू किए मैकॉले ने, तो हमारे गुरुकुल बंद कराए। उसके लिए कानून बनाया इंडियन एजुकेशन एक्ट, जिसमें यह बताया गया कि संस्कृत में कुछ पढ़ाओ तो वो गैर कानूनी, अंग्रेजी में पढ़ाओ तो कानूनी। तो सारे गुरुकुल तो संस्कृत में पढ़ाते थे, वो बंद किए गए। फिर गुरुकुलों को मिलने वाला दान बंद किया गया, तो 90 साल में पूरी शिक्षा इस देश की तहस नहस हो गई। और जब शिक्षा चली गई, उद्योग चले गए, व्यापार चला गया, तो सब चला गया, फिर तो बचा क्या। आजादी ही चली गई तो सब चला गया। उसके कारण ये सारा देश बिखर गया। अब क्या होना चाहिए, इस बिखरे हुए देश को फिर संवारना चाहिए, यही होना चाहिए। मैं इसको एक प्रतीक के रूप में आपको ये कहता हूं कि मान लो कोई हमारे घर में घुस आया जबरदस्ती, और उसने हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, केओस बना दिया पूरे घर में, हमने उसको मार के भगा दिया। तो अब क्या करेंगे, अपने घर को रीसेट करेंगे, रीऑर्डर। तो भारत में अंग्रेज आए, हमने इनको मार के भगाया। अब वो मार के भगाने की कहानी आपको सुनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब जानते आजादी का इतिहास, 1857 का पहला संग्राम और 1942 का आखिरी संग्राम। इस पूरी लड़ाई में 7,32,780 क्रांतिवीरों का बलिदान करके हमने अंग्रेजों को भगा दिया 15 अगस्त 1947 को। तो होना ये चाहिए था कि जब अंग्रेज गए भारत को छोड़कर, तो हमें हमारा देश फिर से व्यवस्थित करना चाहिए था। तो अगर हम अपने देश को व्यवस्थित करते तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, जिन कानूनों की मदद से अंग्रेजों ने हमको लूटा वो कानून तो सबसे पहले जला देने चाहिए थे इस देश में। इनकम टैक्स को जलाना चाहिए था, हमने नहीं जलाया। सेंट्रल एक्साइज को जलाना चाहिए था, हमने नहीं जलाया। सेंट्रल सेल्स टैक्स को जलाना चाहिए, हमने नहीं जलाया। अंग्रेजों के बनाए गए 23 के 23 टैक्स कानून हमने ज्यों के त्यों अपने ऊपर लाद लिए। और अब तो दुर्भाग्य यह है कि अंग्रेजों के जाने के बाद अब 64 टैक्स कानून इस देश पे लग गए। माने हमको जो व्यवस्था करनी चाहिए थी उसको और बिगाड़ दिया हमने। अब परिणाम क्या हो रहा है, अंग्रेजों ने 23 टैक्स कानून लगाकर लूटा 300 लाख करोड़। अब अंग्रेजों के जाने के बाद जो देश चला रहे हैं हमारे ही राजनेता और अधिकारी, इन्होंने 64 तरह के टैक्स कानून लगा के देश में से लूट लिया, कानून लगा के लगभग 300 लाख करोड़ लूटा, जिसके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में मौजूद है, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में रखे हुए, उस पर डिबेट है ब्रिटिश पार्लियामेंट की, हजारों पन्ने की डिबेट है। इनमें से काफी कुछ दस्तावेज हम लोग लेके आए हैं फोटोकॉपी करा के, और हमारे पास है, हमारे रिकॉर्ड्स में है। तो उन्होंने जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन किया है कि इतना तो हमने भारत से लिया टैक्स लगा, अनऑफिशियल का तो कुछ हिसाब ही नहीं है कितना लिया। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऑफिशियल 300 लाख करोड़ होगा तो अनऑफिशियल 600-700 लाख करोड़ तो हो गए, अंदाजा लगा सकते, लेकिन जितना है वो तो मालूम है 300 लाख करोड़। अब जिस टैक्स सिस्टम की मदद से अंग्रेजों ने ये 300 लाख करोड़ लूटा, उस टैक्स सिस्टम को तो खत्म करना चाहिए था 15 अगस्त 1947 को, हमने खत्म नहीं किया, उसी टैक्स सिस्टम को आगे बढ़ा दिया और कुछ नए टैक्स इस देश में लगा दिए जो अंग्रेज भी कभी सोच नहीं पाए, जैसे सर्विस टैक्स, अंग्रेजों ने कभी कल्पना नहीं की थी, हमने वो भी लगा दिया, सर्विस टैक्स आ गया। कई इनडायरेक्ट टैक्सेस आए अंग्रेजों के बाद इस देश में, अब 64 तरह के टैक्स हैं।
अब हुआ क्या कि 63 साल में इसी टैक्स सिस्टम की मदद से हमारे देश के काले अंग्रेजों ने लूटा इस देश को। काले अंग्रेज माने भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट कर्मचारी, उनको मैं काला अंग्रेज कहता हूं। मेरा मानना है कि इन सभी में अंग्रेजों की आत्मा ही प्रवेश कर गई है। कई बार मुझे लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव मरा नहीं है, वो जिंदा हो गया मधु कोड़ा के रूप। हाँ, मधु कोड़ा में तो रॉबर्ट क्लाइव की ही आत्मा। इस भले आदमी ने झारखंड में 2 साल में 5,600 करोड़ रुपए लूट लिया, 2 ही साल, और वो अद्भुत मुख्यमंत्री था। अपक्ष, अपक्ष माने निर्दलीय मुख्यमंत्री हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना भूतो ना भविष्य थे। और आप अंदाजा लगाओ, अगर 2 साल में झारखंड जैसे गरीब राज्य से कोई मुख्यमंत्री 5,600 करोड़ लूट सकता है, तो अमीर राज्यों में जो 10-10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कम से कम 50,000 करोड़ तो लूटा ही होंगे, इससे कम तो नहीं लूटे। इस मध्य प्रदेश में ऐसे कई नेता हैं जो 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मालूम है आप, नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत पुराना भूतकाल नहीं है, वो रिसेंट पास्ट है, अभी हाल का ही है। तो जिस टैक्स सिस्टम से अंग्रेज लूट रहे थे, उसी टैक्स सिस्टम से ये काले अंग्रेज लूट रहे। बस अंतर इतना है कि अंग्रेज लूट कर सब पैसा इंग्लैंड लेके जाते थे, ये काले अंग्रेज सारा लूट लूट कर स्विट्जरलैंड ले जाते हैं, वहां खाते खोलते हैं, पैसा वहां रखते हैं। अब स्विट्जरलैंड के खातों में भारत के नेताओं ने जो लूटा हुआ धन जमा कर रखा है, उसकी जानकारी स्विट्जरलैंड की बैंकों ने दी है। स्विस बैंक है 330, उनका एक एसोसिएशन है जिसको वो कहते हैं स्विस बैंकर्स एसोसिएशन। उनके अनुसार भारत के भू माने घूसखोर नेता, रिश्वतखोर नेता, भ्रष्टाचारी नेताओं का स्विस बैंकों में 72 लाख करोड़ रुपए जमा है, ये लेटेस्ट फिगर है। 1,500 अरब डॉलर माने 72 लाख करोड़। और अभी एक नई जानकारी आई है, वो ये स्विट्जरलैंड की ये जो बैंक है ना, इनसे हम लोग थोड़े संपर्क में हैं पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि हमने एक केस किया है सुप्रीम कोर्ट में स्विस बैंकों का पैसा वापस लाने के लिए। तो जब ये केस हुआ ना, तो दुनिया में 2 बड़ी संस्थाएं हमारे साथ आई, एक का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, दूसरी है टैक्स जस्टिस नेटवर्क। उन्होंने कहा कि आपको अभी अधूरी जानकारी है, स्विस बैंकों में तो 72 लाख करोड़ है, स्विट्जरलैंड के अलावा 70 और देश हैं, वहां पर 258 लाख करोड़ है। अब अंग्रेजों ने 300 लाख करोड़ लूटा था 107 साल में, और इन काले अंग्रेजों ने 258 लाख करोड़ लूट लिया 63 साल में। माने ये तो अंग्रेजों के भी भाव है लूट, और बेशर्मी से लूट रहे। जब से हमको ये जानकारी मिली, हमने भारत के कुछ भ्रष्ट नेताओं की कुंडली बनाना शुरू किया, जन्म कुंडली। जन्म कुंडली वो नहीं राहु केतु वाली जन्म कुंडली, वो कि ये व्यक्ति राजनीति में आया तो इसके पास क्या था, 20 साल राजनीति में रह लिया तो कितना हो गया। तो एक एक नेता की संपत्ति 70,000 करोड़, 65,000 करोड़, 50,000 करोड़ ऐसे मिल रहे। एक नेता है, 25 साल पहले उसके घर में टूटी साइकिल नहीं थी, महाराष्ट्र का है, अभी केंद्र सरकार में मंत्री है, आज उसकी संपत्ति 72,000 करोड़ की। आप बंबई आना, माफ करना मुंबई, मुंबई से पुणे 180 किलोमीटर है, इस 180 किलोमीटर की दूरी में जितनी दूर दूर तक जमीन आप देख सकते हैं, वो अकेले उस नेता की। ऐसे एक महाराष्ट्र का नेता है, केंद्र में इस समय मंत्री है, 20 साल पहले दादर रेलवे स्टेशन पर सब्जी बेचता था, मेथी पालक, और आज उसकी संपत्ति 65,000 करोड़। एक नेता है, वो नासिक का है, सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था 20 साल पहले, पुलिस ने कई बार पकड़ा उसको,
और आज उसकी संपत्ति 55,000 करोड़ की, और ऐसे एक दो नहीं है, 80,000 नाम है, 80,000 जिन्होंने 258 लाख करोड़ रुपए लूटा है देश का, और उनके नामों से विदेशी बैंकों में जमा कर रखा है। तो बात एक समझने की है वो ये कि जिस तंत्र की मदद से अंग्रेज लूट रहे थे, उसी तंत्र की मदद से ये काले अंग्रेज लूट रहे हैं। जिन कानूनों को अंग्रेजों ने लगाया लूटने के लिए, वही कानून ये आज भी चला रहे हैं लूटने के लिए। तो परिणाम तो वही निकलेगा, लूट और लूट। और एक छोटी सच्ची घटना सुनाता हूं। थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक आईएएस अधिकारी पकड़ा गया, उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह। इसके घर में छापा पड़ा सीबीआई का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, तो उसके घर से 1,000 के नोटों की गड्डियां निकली। वो मैंने टेलीविजन पे देखी, ट्रक में भर भर के उन गड्डियों को ले गए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले। 15 दिन तक मशीनों से गिनते रहे, 15 दिन तक मशीनों से गिनते रहे। फिर उन्होंने बताया कि 480 करोड़ रुपए मिला, और अखंड प्रताप सिंह को जब दबाव डाला गया तो उसने कहा कि ये तो मेरा एक घर है, ऐसे 19 घर अभी बाकी। तो अखंड प्रताप सिंह को पूछा गया कि इतना पैसा आया कहां से, तो उसने सच्ची कहानी सुनाई। इस मामले में वो ईमानदार है। हाँ, भ्रष्टाचारी भी कुछ मामले में ईमानदार होते। उसने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश कैडर का आईएएस अधिकारी हूं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मैं कलेक्टर रहा, कमिश्नर रहा, तो मेरे ऊपर जो भी मुख्यमंत्री होता था वो मुझे टारगेट देता था कि 1 हफ्ते में 10 करोड़ रुपए लूट कर दो। मुख्यमंत्री बदलता था तो टारगेट बदलता था, 1 हफ्ते में 15 करोड़ लूट के दो, कोई कहता था 20 करोड़ लूट के दो। अब मैं मुख्यमंत्री को अगर ये कहूं कि मैं लूट नहीं सकता तो वो मुझे किक आउट करता, निकाल बाहर करता, इसलिए मैंने लूटना शुरू किया। और मुख्यमंत्रियों को अगर 10 करोड़ देता था लूट कर तो 2 करोड़ मैं बचाता था, किसी को देता था 15 करोड़ तो 4 करोड़ मैं बचाता था, किसी को देता था 20 करोड़ तो 6 करोड़ बचाता था। वो बचा हुआ पैसा 480 करोड़ हो गया, ये उसने कहा। और उसने कहा मैंने सभी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के नीचे काम किया है, एक भी ऐसा नहीं मिला जिसने लूटने का टारगेट नहीं दिया मुझे, एक भी नहीं मिला। सब पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया उसने, 40 साल रहा वो उत्तर प्रदेश में। फिर उसने और एक बात कही कि मेरे जैसे सारे सेंट्रल कैडर के अधिकारी आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस लूटने में ही लगे रहते हैं, क्योंकि सब मुख्यमंत्रियों का टारगेट पूरा करते हैं। और वो कहता है कि हम में से अगर कोई ईमानदार निकल आए तो मुख्यमंत्री उसको बर्दाश्त नहीं करता, निकाल बाहर कर देता, क्योंकि ये सिस्टम ईमानदार लोगों को बर्दाश्त नहीं करता। तो ऐसी लूट मची हुई, कहीं मधु कोड़ा तो कहीं अखंड प्रताप सिंह, और हजारों हजार ऐसे लोग, 80,000 जिनके बारे में पता चल चुका है। पता नहीं आने वाले समय में और भी कुछ पता चले तो मालूम नहीं, इतने के बारे में तो हमें पता चल गया है कि इनका लूट का 258 लाख करोड़ बाहर है। अब प्रश्न ये है क्या किया जाए। तो मेरे मन में तो एक ही बात आती है कि कुछ किया जाए तो यही कि अंग्रेजों ने जो लूट मचाई थी, और काले अंग्रेज भी अगर वही लूट मचा रहे हैं, तो आजादी की लड़ाई को फिर से लड़ा जाए। एक बार हमने लड़ी थी गोरे अंग्रेजों के खिलाफ, अब लड़नी पड़ेगी काले अंग्रेजों के खिलाफ। हालांकि ये अपने ही लोग हैं काले अंग्रेज, लेकिन लड़ना तो इनसे भी पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता में यही कहा कि कौरव तुम्हारे भाई हैं लेकिन अधर्मी हैं, विधर्मी हैं, इनको तो मारना ही पड़ेगा, यही तुम्हारा धर्म। तो इन घूसखोर नेता और अधिकारियों के खिलाफ कोई दूसरा आजादी का बड़ा संग्राम लड़ना पड़ेगा, और हमने उसकी तैयारी करना शुरू कर दिया है।
भारत स्वाभिमान नाम का एक संगठन इसी काम के लिए परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने बना दिया। उस संगठन के वो अध्यक्ष हैं, मैं उसका सेक्रेटरी हूं और इसमें 10,000 पदाधिकारी हैं ऊपर से नीचे तक। हमारे संगठन ने ये संकल्प ले लिया है कि लूट का जितना धन इन काले अंग्रेजों ने विदेशों में जमा किया है, एक एक पाई उसका वापस लाना है और इस देश के लिए समर्पित करना है। इस देश की गरीबी बेकारी जितने भी को आप बोलेंगे क्या ये संभव है? हाँ ये संभव है। कैसे संभव है? ये जो नेताओं ने धन लूटा है ना, ये विदेशी बैंकों में व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में जमा है नेताओं की। अगर इस धन को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दें तो ये सारा हमें वापस मिल जाएगा। जिन बैंकों में ये पैसा है उन बैंकों का कानून है कि जब तक पैसा व्यक्ति की संपत्ति है तब तक किसी भी बैंक में आप जमा कर सकते हो, लेकिन अगर वो राष्ट्र की संपत्ति हो गया तो वो बैंक उस पैसे को नहीं रख सकती, वो वापस देना ही पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि ये कानून से हो जाए राष्ट्र की संपत्ति। अब इसके लिए दो संस्थाएं हैं जो कर सकती हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट और एक संसद। तो सुप्रीम कोर्ट में हमने एक मुकदमा लगवाया, 6 महीने पहले वो केस फाइल किया था, अभी वो एडमिट हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दे दिया है कि विदेशी बैंकों में जो 258 लाख करोड़ जमा है इसका पूरा हिसाब दो सुप्रीम कोर्ट को, किसका कितना है। तो सरकार की हालत खराब हो गई है, क्योंकि जिनका पैसा है वही सरकार चला रहे हैं, ये समस्या खड़ी हो गई। तो सरकार अब पता है टाइम पास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को कहा 6 महीने में जवाब देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है 6 महीने में जवाब दो, 6 महीने बाद फिर कहेंगे और 6 महीने में जवाब देंगे, वो अनंत काल तक लटकाएंगे इस मामले को। हम सुप्रीम कोर्ट में एक बात कहना चाहते हैं कि ये पैसा किसी का भी हो आप इसको राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दो, बाकी फैसला बाद में होगा। और सुप्रीम कोर्ट अगर ये जजमेंट दे दे कि ये राष्ट्र की संपत्ति है तब चिल्लाएंगे कुछ नेता, ये मेरी है ये मेरी है ये मेरी है, तो देश देखेगा उनको किसकी है किसकी है किसकी है, और फिर देश पूछेगा तुम कहां से लाए थे, तुम्हारे बाप दादे कितना छोड़ गए थे जो ये तुम्हारी संपत्ति। तो एक बार देश के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बेईमान कौन कौन है और ईमानदार कौन कौन, ये हम चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ये ताकत है कि वो इस पैसे को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर सकता है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने किया था यूरिया घोटाले के मामले में, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, 133 करोड़ का घोटाला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया था, वो सारा पैसा स्विस बैंक से वापस आया था। तो हमारा इतना ही कहना है कि यूरिया घोटाले का पैसा आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी आ सकता है, एनरॉन घोटाले का भी आ सकता है, सारे घोटाले एक घोटाले घोटाला एक, सबका पैसा राष्ट्र की संपत्ति। तो इस उम्मीद में हम ये केस लड़ रहे हैं, शायद हम जीत जाएं, नहीं जीते तो दूसरी तैयारी हमने की है। दूसरी तैयारी ये है कि संसद में एक सांसद की मदद से हम प्रस्ताव लाना चाहते हैं, और एक सांसद मिल जाएगा 543 में से, एक तो माई का लाल मिलेगा, हाँ सब तो नहीं मर गए। तो एक सांसद की मदद से हम प्रस्ताव लाना चाहते हैं कि 63 साल में जितने घोटाले हुए उनका पैसा राष्ट्र की संपत्ति है, जो विदेशी बैंकों में गया वो राष्ट्र की संपत्ति है। अब ये प्रस्ताव आएगा तो सभी सांसदों को बहस करनी पड़ेगी, बहस वाले दिन आप टीवी जरूर खोलना और ये देखना कि कौन कौन सांसद विरोध कर रहा है इसका। जो विरोध करेगा पक्की बात है खाता उसी का है, पैसे उसी के हैं, सारा देश देखेगा बेईमान कौन कौन। एक सांसद की हम तलाश कर रहे हैं, उम्मीद है कि मिल जाएगा, और नहीं मिला तो तीसरी तैयारी हम कर रहे हैं। तीसरी तैयारी हमारी यह है कि 2014 में लोकसभा का चुनाव होगा। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने संकल्प लिया है कि उस चुनाव में वो एक एक चुनाव क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे कि हमको एक सांसद जिता कर दो इस काम को करवाने के लिए। और उम्मीद है कि देश 543 सांसदों को जिताकर दे सकता है इस काम।
क्योंकि एक बार परम सम्माननीय जयप्रकाश नारायण ने अपील की थी लोगों से 1977 में, एक सांसद मांगा था उन्होंने और इस देश ने 377 सांसद जिता कर दिए थे उनको, और ऐसे कई सांसद जिता कर दिए थे देश ने जिन्होंने कभी चुनाव क्षेत्र में मुंह नहीं दिखाया अपना और जीत गए, जेल में थे और जीत गए। तो अगर जयप्रकाश नारायण को 377 सांसद मिल सकते हैं तो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को 400 तो मिलना ही चाहिए, जेपी से किसी मामले में कम तो है। जेपी का जितना त्याग था उतना त्याग उनका है, जेपी का जितना सम्मान था उससे ज्यादा सम्मान रामदेव जी का देश में है, और जेपी ने तो संन्यास नहीं लिया था, इन्होंने तो संन्यास ग्रहण किया हुआ है और उनमें कुछ सद्गुण है। तो शायद इतने सांसद मिल जाएंगे, मिले तो एक मिनट में कानून बनाएंगे, 258 लाख करोड़ वापस लाएंगे, और ये पैसा जब आएगा तो चिल्लपों करेंगे ये नेता, क्योंकि जिनका पैसा वो चुप तो बैठेंगे नहीं। तो उसके बाद दूसरा कानून बनाना है जो नेहरू जी कहते रहे लेकिन हम करेंगे उसे। दूसरा कानून ये कि जिस जिसका पैसा पकड़ा गया उसको 3 महीने में फांसी की सजा, ये कानून हम बनाए, फिर देखें कौन चिल्लाता है कि ये मेरा पैसा, ये मेरा पैसा। डर के मारे बोलेंगे नहीं, अच्छा है, क्योंकि हम उसको देश का पैसा घोषित करा देंगे और इस पैसे को भारत माता के नाम से कोष बना के उसमें रखना है और इस पैसे का सदुपयोग करना है। इसमें से 50 लाख करोड़ रुपए खर्च करके गांव गांव की गरीबी मिटानी है, भारत के हर गांव में 100 उद्योग लगाने हैं और 6,38,365 गांवों में 100-100 उद्योग अगर लगे तो उसमें 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। और वो उद्योग रहेंगे जैसे खादी का उद्योग, जहां कपास पैदा होता है वहां खादी बनाएंगे, जहां सरसों पैदा होती है वहां तेल उद्योग चलाएंगे, जहां पर गेहूं पैदा होता है वहां आटा बनाने का उद्योग चलाएंगे, जहां टमाटर होता है वहां टमाटो सॉस का उद्योग लगाएंगे, जहां आलू पैदा होता है वहां आलू का चिप्स बनाने का उद्योग लगाएंगे, ऐसे 100 उद्योग हर गांव में, और इनमें 65 करोड़ लोगों को काम मिलेगा और इन उद्योगों को लगाने में 10 लाख करोड़ खर्च होगा बस, और अपने पास 258 लाख करोड़ है। फिर बचेगा 248 लाख करोड़, उसमें से 4 लाख करोड़ खर्च करेंगे हर गांव को 24 घंटे बिजली मिल जाएगी, सिर्फ 4 लाख करोड़ हर गांव को 24 घंटे बिजली। फिर 7 लाख करोड़ खर्च करेंगे हर गांव को सड़क मिल जाएगी, 10 लाख करोड़ और खर्च करेंगे तो हर गांव के किसान के खेत को पानी मिल जाएगा, तालाबों की व्यवस्था करेंगे हर गांव में, चेक डैम और तालाब। फिर 12-13 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो सारे गांव को चिकित्सा, डॉक्टर और हेल्थ की फैसिलिटीज, 7-8 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो शिक्षा, सब काम करने के लिए 50 लाख करोड़ चाहिए, वो खर्च करेंगे तो भी 8 लाख करोड़ बचेगा, बचे हुए 208 लाख करोड़ को बैंक के फिक्स डिपॉजिट में भारत माता के नाम से रखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट का साल का ब्याज 20 लाख करोड़ आएगा, और साल का ब्याज अगर 20 लाख करोड़ मिलता है तो देश में टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी टैक्स खत्म कर, क्योंकि अपने पास आमदनी है 20 लाख करोड़ की, और इस आमदनी से फिर अनंत काल तक देश का विकास कर सकते हैं। और सारे टैक्स खत्म करेंगे तो सबसे पहले इनकम टैक्स खत्म करेंगे, इनकम टैक्स खत्म होते ही सारा ब्लैक मनी व्हाइट हो जाएगा, देश के अंदर 55 लाख करोड़ का ब्लैक मनी है, ये सब बाहर आ जाएगा। मनी जो है ना, मनी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ये तो कानून है जिसने कुछ मनी ब्लैक कुछ व्हाइट किया, कानून हटा देंगे। अब इनकम टैक्स जब हटेगा तो कोई इनकम टैक्स की चोरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स ही नहीं है, तो इनकम कोई नहीं छुपाएगा, तो इनकम इस देश की रातों रात बढ़ेगी। फिर सेंट्रल एक्साइज हटाना है तो उत्पादन की चोरी नहीं करेगा कोई, उत्पादन बढ़ेगा। फिर सीएसटी खत्म करना है तो व्यापार की चोरी नहीं, व्यापार बढ़ेगा। और सब टैक्स खत्म हो गए तो इनकम, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग इतना अपरंपार होगा कि धन ही धन, पैसा ही पैसा, देश कोई कमी नहीं, हमें कहीं कटोरा लेके भीख मांगने नहीं जाना पड़ेगा, सारे देश में धन ही धन।
और अगर हमने टैक्स कम कर दिए या खत्म कर दिए तो हमारा माल दुनिया में सबसे सस्ता और एक्सपोर्ट हम फिर से उतना ही करेंगे जितना भारत किया करता था 33%। चाइना आज वर्ल्ड मार्केट में 25% का हिस्सेदार है एक्सपोर्ट में। जानते हैं क्यों? टैक्सेशन सिस्टम को उन्होंने ठीक रखा है, इसलिए सबसे कम टैक्सेस हैं चाइना। हम टैक्स बिल्कुल खत्म करेंगे तो चाइना से आगे निकल सकते हैं, अमेरिका से तो आगे निकल ही जाएंगे। अभी हम 5 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, फिर 250 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट आसानी से कम कर पाएंगे। और टैक्स खत्म किए तो महंगाई खत्म हो जाएगी। जो वस्तु आज आप 50 रुपए में 1 लीटर खरीदते हैं ना पेट्रोल के रूप में, टैक्स खत्म होते ही 12 रुपए लीटर हो जाएगा पेट्रोल, डीजल हो जाएगा 7 रुपए 80 पैसे लीटर, रसोई गैस सिलेंडर 40 रुपए का, नमक मिलेगा 25 पैसे किलो, सीमेंट आप खरीदोगे बाजार से 50 किलो सीमेंट का पैकेट मिलेगा 72 रुपए का, जो अभी है 300 रुपए का, लोहा खरीदोगे बाजार से जो अभी 50 रुपए किलो है वो मिलेगा 12 रुपए किलो का। आप जो 20 लाख का घर बनाते हो ना, टैक्स खत्म होने के बाद वो घर बनेगा 6 लाख रुपए में। आपका बेटा या बेटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, अभी 5 लाख खर्च होता है 5 साल में, वो फिर खर्च होगा 50,000 5 साल। कोई एमबीबीएस एमडी की पढ़ाई करे, 20 लाख खर्च होता है, वो मुश्किल से 2-2.5 लाख रह जाएगा। आप इंदौर से अमेरिका जाएं, अमेरिका से वापस इंदौर आएं, तो टैक्स खत्म होने के बाद किराया 7,000 रुपए होगा, जो अभी 77,000 है। टैक्स खत्म होने से पूरी इकोनॉमी में बूम आएगा। एक तरफ लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी क्योंकि रोजगार दे दिया हमने उनको, गरीबी खत्म हुई। दूसरी तरफ वस्तुएं सस्ती होंगी तो डिमांड और बढ़ेगी, डिमांड और बढ़ेगी तो प्रोडक्शन और बढ़ेगा, प्रोडक्शन और बढ़ेगा तो समृद्धि और बढ़ेगी, और इसी को डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाएं तो ज्यादा नहीं कहता 5 से 10 साल में ये देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। एक और काम करना है हमको, अंग्रेजों ने जो 300 लाख करोड़ लूट के हमसे ले लिया उसको भी वापस लाना है, और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा लड़ना है। और उस रूप में किसी भी देश के खेत में इतनी अच्छी मिट्टी नहीं है जितनी हमारे यहाँ, और उस फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, 4 से ज्यादा दस्तावेज हमने इकट्ठे किए जो अंग्रेजों की लूट को सिद्ध करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में वो दस्तावेज पेश करने की देरी है, फैसला हमारे पक्ष में होगा, और 300 लाख करोड़ ब्याज के साथ अंग्रेजों से वापस लाएंगे। और इस लड़ाई में 70 और देशों को अपने साथ हम खड़ा करेंगे, जिन देशों को अंग्रेजों ने पिछले 500 साल में लूटा। ये जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है ना, इनको हम अपने तरीके से खड़ा करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। उनकी गवाही बहुत महत्व की होगी क्योंकि अंग्रेजों ने उनको भी लूटा, और वो धन जो अंग्रेजों से हम लाएंगे ब्याज के साथ वो लगभग होगा 700 से 750 लाख करोड़। इसको सोने के रूप में लाएंगे, स्टर्लिंग पाउंड में नहीं लाएंगे क्योंकि स्टर्लिंग पाउंड का कोई भरोसा नहीं। आज वो 1 स्टर्लिंग पाउंड में 80 रुपए है। जब अंग्रेजों से इतना पैसा हम वापस ले लेंगे तो 1 स्टर्लिंग पाउंड 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो स्टर्लिंग पाउंड में पर नहीं लाना, सोने में लाना है, गोल्ड में। गोल्ड लाके हम रिजर्व के रूप में रखेंगे, और जब गोल्ड हमारे पास होगा 700-800 लाख करोड़ का, तो हमारी सारी संपत्ति बढ़ेगी सारी दुनिया। और संपत्ति बढ़ने का पहला असर आएगा करेंसी पर, हमारा 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो जाएगा। रुपया डॉलर बराबर हुआ तो जो एक्सपोर्ट अभी हम कर रहे हैं उसकी आमदनी 50 गुनी बढ़ेगी, इंपोर्ट कर रहे हैं उसका खर्चा 50 गुना घटेगा। आमदनी 50 गुनी बढ़े, खर्चा 50 गुना घटे, तो सरप्लस इतना होगा इस देश में कि ना अमेरिका हमको पकड़ सकता है ना चीन, दुनिया में हम सबसे आगे निकलेंगे और भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर फिर बिठाएंगे। ऐसा भारत बनाएंगे जो समृद्धशाली है, जो वैभवशाली है, जो गौरवशाली है, जिसकी कहानी दुनिया कहती रही सैकड़ों साल, सोने की चिड़िया, सोने का महासागर, वो कहानी फिर कहेगी दुनिया। मैंने तो एक छोटा सा कैलकुलेशन किया कि स्विस बैंक का जो 200 लाख करोड़ बचा हुआ पैसा है उससे सोना खरीदें
और भारत के एक एक गांव की सड़क पर वो सोना बिछाए तो 10 मिलीमीटर मोटी सोने की परत 6,38,000 गांव में बिछ जाए, इतना सोना है। हम फिर इस देश को बना सकते हैं, भविष्य इस देश का अच्छा कर सकते हैं अगर वर्तमान ठीक हो तो। अब आप कहेंगे ये तो सब सपना है। हाँ, आज ये सपना है, 4 साल बाद ये हकीकत बनेगा। मैं आपको एक ही बात विनम्रता से कहना चाहता हूं, दुनिया का हर सपना एक दिन पहले तक सपना होता है और अगले ही दिन वो हकीकत हो जाता है। सपना देखने वाला तो कोई चाहिए, हकीकत में बदलना तो फिर सारे लोग मिलके करते हैं। 1857 में नाना साहब पेशवा ने सपना देखा था भारत आजाद होगा, और भारत आजाद हुआ। सपना देखा किसी ने, फिर प्रयास किया और आजादी मिली। आज हम सपना देख रहे हैं कि भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, समृद्धशाली होगा, वैभवशाली होगा, गरीबी भुखमरी बेकारी सब खत्म होगी, भ्रष्टाचार मिटेगा, तो थोड़े दिन में यह हकीकत में बदलेगा। 50 करोड़ लोगों की मदद का सीधा मतलब होता है लोकसभा में 450 सीटें, और भारत की 33 विधानसभाओं में 4,500 सीटें। 50 करोड़ लोगों का ये मतलब होता है। उतने लोगों का समर्थन अगले 4-5 साल में हम जुटाएंगे, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और लोग हमें मदद कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 1 साल में ये संगठन बना भारत स्वाभिमान का, और आज भारत का ये सबसे बड़ा संगठन है। 11 लाख से ज्यादा योग शिक्षक रात दिन लगे हुए हैं, घर घर गांव गांव जा रहे हैं, निशुल्क योग सिखा रहे हैं, निशुल्क प्राणायाम सिखा रहे हैं। आने वाले 4 वर्षों में तो ये लाखों नहीं करोड़ों में होने वाले हैं, क्योंकि अब तो स्वामी जी खुद जा रहे हैं एक एक जिले में। मई से वो एक एक जिले में 3-3 दिन के शिविर करने जा रहे हैं। अब तक हरिद्वार बुलाते थे सबको, अब वो खुद जाने वाले, तो संख्या और तेजी से बढ़ेगी। और ये सब जो लोग आ रहे हैं ना, हम तो मानते हैं कि ये सब पुराने समय के क्रांतिवीरों की ही आत्माएं हैं जो नए शरीर में प्रवेश होकर आ रही हैं और इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी में लगे हैं, क्योंकि अधूरा काम रह गया हमारा, इसलिए जन्म लिया हमने। पहले नाना साहब पेशवा के साथ लड़ते रहे, अब स्वामी रामदेव जी के साथ लड़ते हैं। हम वही आत्माएं, नहीं तो इकट्ठे नहीं होते, आसान नहीं होता है लोगों का इकट्ठा होना। और ईश्वर भी कोई मदद कर रहा है, एक सन्यासी को भेज दिया इस काम के लिए। और भारत में एक बड़ी गहरी बात कह के मैं खत्म करूंगा इस व्याख्यान को, सन्यासी जब भी संकल्प लेता है भारत में भगवान भी वो संकल्प पूरे कराता है। एक सन्यासी हुए समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र, उन्होंने एक संकल्प लिया औरंगजेब का शासन खत्म करना है और दक्षिण भारत से मुगलिया सल्तनत को हटाना है, ये उनका संकल्प था। भगवान ने वो संकल्प पूरा कराने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को पैदा किया, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी उम्र के 17वें साल में वो संकल्प पूरा करा दिया। एक सन्यासी हुए स्वामी रामतीर्थ, लातूर में हुए हैदराबाद के पास, उन्होंने संकल्प लिया था कि हैदराबाद की रियासत को भारत में मिलाना है, जबकि हैदराबाद का जो निजाम था वो कहता था कि इस हैदराबाद को पाकिस्तान में ले जाना है। लेकिन स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि निजाम को जाना है वो पाकिस्तान जाए, हैदराबाद तो भारत में ही रहेगा। और भगवान ने स्वामी रामतीर्थ का संकल्प पूरा कराने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस देश में भेज दिया। ऐसे ही एक सन्यासी थे स्वामी दयानंद सरस्वती, 1857 में उन्होंने संकल्प लिया था और भगवान ने उनके संकल्प को पूरा करने के लिए लाला लाजपत राय, शहीद आजम भगत सिंह, ऊधम सिंह, ये सब आर्य समाजी थे, इनको पैदा कर दिया, उन्होंने अपना काम किया। तो सन्यासियों ने जब जब इस देश में संकल्प लिया है भगवान ने भी वो संकल्प पूरा करा है। अभी का भी संकल्प एक सन्यासी का ही है, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, कि 258 लाख करोड़ विदेशों से वापस लाना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना, पूरे सिस्टम को बदलना है, अंग्रेजों के जमाने के 34,735 कानून है उनको खत्म करना, जरूरत पड़ने पर नए कानून बनाने हैं, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था को बदलना, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को बदलना,
अंग्रेजी प्रशासन व्यवस्था को पूरा बदलाव करना है, सिस्टम में नीचे से लेके ऊपर तक। अभी तक हम सत्ता में परिवर्तन करते रहे, अब हमें व्यवस्था में परिवर्तन करना है, सिस्टम चेंज करना है। और सिस्टम चेंज करने की लड़ाई थोड़ी बड़ी होती है, व्यापक होती है, लेकिन वो लड़ने लायक होती है। तो हम सब लगे इस लड़ाई को लड़ने में, और इस लड़ाई में कामयाबी जरूर मिलने वाली है। आप आएंगे तो थोड़ा जल्दी मिलेगी, नहीं आएंगे थोड़ा देर में मिलेगी, मिलेगी जरूर। आप नहीं आएंगे कोई दूसरा आएगा, लड़ाई तो होने वाली है क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। आप आएंगे तो श्रेय आपको मिलेगा, नहीं आएंगे तो दूसरा कोई श्रेय लेगा, होने वाला तो है। नहीं आएंगे तो अफसोस आपको होगा 4 साल के बाद, जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि जब भारत स्वाभिमान शुरू हुआ था तो तुम क्या कर रहे थे, तो आप अपने बच्चों के सामने शर्म की स्थिति में ना आए। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप आइए इस लड़ाई में और शामिल हो जाइए, और इस लड़ाई को लड़कर देश को सुखी बनाइए, समृद्धशाली बनाइए। और ये लड़ाई देश के लिए है, किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी संगठन के लिए। हमारे लिए देश बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। मैं बहुत छोटा हूँ, हम सब बहुत छोटे हैं, देश हमसे बहुत बड़ा है, हमारा संगठन भी देश से छोटा है, देश सबसे आगे है। अगर ये रहेगा तो हम सब रहेंगे, यही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहे। ये हमारी मान्यता है, और हमारी मान्यता है कि 120 करोड़ भारतवासी सब हमारे स्वजन हैं, वो गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उन सबको इस देश के लिए काम करना है और ऐसी व्यवस्था बनानी है जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान दे सके देश को आगे बढ़ाने में। देश की अच्छाइयों को लगातार बढ़ाते जाना है, बुराइयों को खत्म करते जाना है। इसी काम में मैं लगा हूं, आप लगे, हम सब मिलके लगे तो जरूर होने वाला है। लगने का एक बहुत सरल तरीका है, आप हमारे भारत स्वाभिमान के साथ जुड़ जाएं। यहाँ उज्जैन में हमारी समिति काम करती है, उसके पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, आप उनसे संपर्क कर लें। एक फॉर्म हमने बनाया है मेंबरशिप के लिए, वो आप ले लें, उसको भर के जमा कर दें, फिर हमारे कार्यकर्ता आपसे संपर्क कर लेंगे। आपकी मेंबरशिप किसी और के लिए प्रेरणा दे सकती है। हमें 50 करोड़ लोग ऐसे खड़े करने हैं 5 साल में, 4 से 5 साल में, उसमें से एक आप भी हो सकते हैं। और ये होना हमारा इस अभियान में, ये बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि जीवन में सार्थकता हो तो सबसे महत्व की बात है। सफलता हो या ना हो, लेकिन सार्थकता तो जरूर हो। और हमारा जीवन एक बड़े काम के लिए लग रहा है, होम हो रहा है, तो शायद हम सार्थक होंगे। ऐसा बोलकर आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और बहुत प्रणाम करता हूं कि आपने लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा मुझे ध्यान से सुना। ये बातें दूसरों को कहेंगे तो मैं आपका और आभारी रहूंगा। हमारे कुछ सहयोगी हैं भारत स्वाभिमान के, देवास और उज्जैन के, उनके पास मेरे कुछ व्याख्यानों की CDs हैं, आप चाहें तो ले जाएं, क्योंकि ये तो मैंने बहुत थोड़ा बताया है। इस विषय में बताने के लिए मेरे पास 70 घंटे से ज्यादा का मटेरियल है। हाँ, उतना मैं पूरा बता नहीं पाया क्योंकि समय की कमी, आप और ज्यादा सुनना चाहें तो CD ले जाएं। मेरा किसी CD पे कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है। आप उसकी एक नहीं 1000 कॉपी बनाएं, 10,000 बनाएं, गांव-गांव बांटें, गली गली बांटें, मैं कभी आपके खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ने आऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं वो ज्ञान मेरा नहीं है, आप सभी का है। ये अलग बात है कि 20 साल में ये ज्ञान मैंने अर्जित किया, लेकिन इसको सबको देना है, सबका अधिकार इस ज्ञान पर है, क्योंकि भारत में ज्ञान बांटने के लिए होता है, रखने के लिए नहीं होता, और ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है। तो मेरे जीवन में अगर ये ज्ञान का दान मैं करवाया तो कर पाया तो अपने को धन्य मानूंगा। ये निवेदन के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।